आपके सामने एक असल जिंदगी की रोमांच भरी कहानी को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कुछ विशेष शूरवीरों की दास्तान जो अपना जीवन देश के लिए दांव पर लगा देते हैं, लेकिन उनके हाथ आती है केवल गुमनामी। लेकिन शायद यही गुमनामी ही उनका सुरक्षा कवच है। आपने अपने बचपन से लेकर अभी तक बहुत सी जंग और लड़ाइयों की कहानियां सुनी होंगी और अक्सर उनके ऊपर बनी हुई मूवीज और शोज का लुत्फ भी उठाया होगा। इसके अलावा आपको पता होगा कि हर देश के पास अपनी एक इंटेलिजेंस या सीक्रेट एजेंसी होती है। इस पोस्टकार्ड में हम आपको रॉ की कहानी बताने जा रहे हैं। रॉ इंडिया की स्पाई और इंटेलिजेंस एजेंसी है। रॉ एजेंसी कैसे और कब अपना काम करती है, ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। बाकी देशों के इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह रॉ कभी भी अपनी सफलता या नाकामी का ढिंढोरा नहीं पीटती है। इस सारांश में हम लोग इसके कुछ रहस्यों से पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे। इसमें हम आपको रॉ के इतिहास के साथ ऐसे बहादुर वीरों के किस्से भी बताएंगे जिन्होंने देश के लिए गुमनामी में शिद्दत से काम किया। हम जैसे आम लोग जिंदगी भर दौलत और शोहरत के पीछे भागते रहते हैं, दूसरी तरफ हमारे देश के ऐसे बहुत से वीर बहादुर हैं जो रॉ और देश के प्रति अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, ये जानते हुए भी कि इससे ना उनका देश के प्रति योगदान किसी को पता चलेगा और ना ही उनको इस जोखिम भरे काम के अरबों रुपए मिलेंगे। ऐसे जवानों को पूरे देश की जनता की तरफ से शुक्रिया। तो बिना देर किए बढ़ते हैं कहानी के पहले भाग की तरफ, जो रॉ की स्थापना और बांग्लादेश में हुए ब्लड बाथ से संबंधित है। आप सुन रहे हैं कुकू FM ऑडियो बुक रॉ और मैं हूँ RJ अंकित सिद्धू। कुकू FM सुने जो मन चाहे। ब्लड बाथ इन बांग्लादेश। रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968 को भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी के दो भाग में विभाजन होने के कारण हुई थी, जिसके बाद दो इंटेलिजेंस एजेंसी की स्थापना हुई। पहली इंटेलिजेंस ब्यूरो या IB, जिसे भारत की प्राइमरी इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में प्रस्तुत किया गया। दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम रॉ रखा गया, जिसका काम विदेश में जाकर स्पाइंग और एस्पियोनेज करने पर केंद्रित था। 200 ऑफिसर्स IB छोड़कर रॉ में जुड़ गए। रॉ इन 200 ऑफिसर्स को एक नई दुनिया में ले जाने का रास्ता था। यहाँ पर ये ऑफिसर्स गुमनामी की जिंदगी के साथ देश के दुश्मनों को जल्दी पकड़ भी सकते थे। इसके अलावा एक मजेदार बात यह है कि जो लोग आईबी में इस वक्त काम कर रहे थे वो अक्सर रॉ के ऑफिसर्स द्वारा नीचा दिखाए जाते थे, जिसका कारण रॉ की श्रेष्ठता थी। रॉ का अपना कैडर जिसमें नया खून नई ट्रेनिंग के साथ शामिल हुआ 1971 में प्रारंभ हुआ। उसने अपनी काबिलियत का परिचय 1971 में दिया। 1971 में इंडिया ने रॉ एजेंसी की मदद से पाकिस्तान के बंटवारे के बाद बांग्लादेश को मजबूत किया। वहाँ की नई इलेक्टेड गवर्नमेंट, जिसके हेड शेख मुजीबुर रहमान थे, उनकी गवर्नमेंट का प्रभाव बढ़ाने में भारत की तरफ से रॉ ने सहायता की थी। फिर बांग्लादेश को पूरी आजादी देने के कार्य में भारत ने 1972 में एक ऐसा निर्णय लिया जिसने बांग्लादेश को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया और ये बांग्लादेश के इतिहास में एक नए अध्याय के रूप में सामने आया। भारत सरकार ने 1972 में अपनी सेना और जितने भी भारतीय बांग्लादेश में काम कर रहे थे उनको वापस भारत लाने का निर्णय लिया। इस कार्य को रॉ ने पूरी सफलता से निभाया था। भारत ने केवल ढाका में कुछ चंद डिप्लोमेट्स को ही छोड़ा था, वो भी केवल बांग्लादेश जैसे नए देश को सही रास्ते पर ले जाने के लिए। पर भारत का ये निर्णय बांग्लादेश के लिए भारी साबित हुआ। बांग्लादेश में शेख मुजीब के लिए बहुत दुश्मन बन गए थे। उन सब में सबसे घातक और प्रभावशाली थे मेजर दालिम। मेजर दालिम एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1971 की जंग में भाग लिया था। वो दो कारणों से प्राइम मिनिस्टर मुजीब के खिलाफ थे। पहला कि जब उन्होंने बांग्लादेश के रेड क्रॉस के चेयरमैन गुलाम मुस्तफा के खिलाफ करप्शन की शिकायत दर्ज की, तब शेख मुजीब ने उनकी इस शिकायत को अनसुना कर दिया, साथ ही अपना पूरा समर्थन गुलाम मुस्तफा को दिया। इसके अलावा दूसरा कारण मेजर दालिम की नाराजगी का ये था कि मुस्तफा के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के तुरंत बाद ही उनको और उनके साथ 27 जवानों को सेना से निष्कासित कर दिया था। उसी दिन मेजर दालिम ने यह तय किया था कि वो बांग्लादेश में शेख मुजीब की सरकार को नहीं चलने देंगे। उन्होंने अपने इस आतंक भरे जज्बात को 15 अगस्त 1975 को अंजाम दिया। एक तरफ भारतवासी अपनी आजादी का जश्न मनाने में मग्न थे, दूसरी तरफ
बांग्लादेश में मेजर दालिम और उनकी पर्सनल आर्मी ने शेख मुजीब के साथ उनके पूरे परिवार और उनके सारे पर्सनल गार्ड्स की बेरहमी से हत्या कर दी थी। जो भी शेख मुजीब के समर्थन में सामने आए उन सबको भी मेजर दालिम और उनके साथियों ने बेरहमी से मार दिया। इस दिन जितने भी लोगों ने शेख मुजीब की तरफ अपनी वफादारी दिखाई थी उन सबको मेजर दालिम ने अपने रास्ते से हटा दिया था। इस समय जो रॉ के स्पायर ढाका में थे उनका यही कहना था कि विदेशियों का इस तख्त पलट में कोई हाथ नहीं था। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह भी थी कि जैसे ही इस तख्ता पलट की खबर दुनिया भर में पहुंची तो सबसे पहले पाकिस्तान ने ही बांग्लादेश के इस तख्ता पलट का सहयोग किया। साथ ही पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 50,000 टन चावल और 15 मिलियन मीटर क्लोथ देकर नई बांग्लादेश की सरकार को अपनी तरफ करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब ने भी नई बांग्लादेश की सरकार को समर्थन दिया था। दूसरी तरफ भारत सरकार की चिंता बढ़ती जा रही थी। भारत सरकार को ये पता था इस तख्त पलट के बाद शेख मुजीब अवामी लीग पार्टी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। इस पार्टी के सारे नेता या तो पार्टी छोड़ चुके थे या फिर नई सरकार के साथ जुड़ गए थे। शेख मुजीब की पार्टी इस तख्त पलट के पहले से ही मुसीबत में थी। इस पार्टी के नेता घुसखोरी और भाई भतीजावाद के लिए बदनाम थे। शेख मुजीब के राज्य में बांग्लादेश की इकोनॉमी की हालत इस कारणवश बहुत खराब हो चुकी थी। तख्त पलट के बाद मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच दूरी और बढ़ने लगी थी। ये दिक्कत शेख मुजीब के समय नियंत्रण में थी। ये सब देखते हुए रॉ के चीफ आरएन काओ बहुत परेशान थे। वो ये जानना चाहते थे कि आखिर बांग्लादेश में क्या गड़बड़ हुई और कैसे बांग्लादेश भारत के खिलाफ हो गया था। वो ये भी जानते थे कि किस बाहरी देश ने बांग्लादेश के तख्त पलट में साथ दिया था। इसके अलावा वो इंडियन डिप्लोमेट्स जो ढाका में थे उनकी गलतियों को भी जानना चाहते थे। काओ के इन सारे सवालों का जवाब 12 पन्नों की एक रिपोर्ट में सामने आया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि इंडियन डिप्लोमेसी ने बांग्लादेश को संभालने में कितनी गलतियां की, जिससे अब सारे भारतीय डिप्लोमेट्स को सीख लेनी चाहिए ताकि ये दोबारा दोहराई ना जाए। पहली गलती ये थी कि जब भारतीय सरकार को पता था कि बांग्लादेश भारत के जाने के बाद हाई टेंशन देश बनने जा रहा था तो इस स्थिति को संभालने के लिए उन्होंने एक जवान और एक सक्षम व्यक्ति को डिप्लोमेट की तरह भेजने की जगह सुबिमल दत्ता को भेजा, जो एक वृद्ध व्यक्ति थे। उनकी जगह अगर एक नौजवान व्यक्ति होता तो वो आराम से इस चुनौती भरी स्थिति का सामना करने और जल्दी निर्णय लेने में सक्षम रहता। इसके अलावा डिप्लोमेटिक मिशन में दो ऐसे व्यक्ति थे जो हाई कमीशन में तीसरे और चौथे पद पर थे। ये दोनों पहले से ही प्रो सीपीआई माने जाते थे। इसके अलावा ये दोनों रूलिंग पार्टी के साथ दोस्ती बढ़ाने के बजाय एनएपी और सीएबी के साथ दोस्ती बढ़ाते नजर आ रहे थे, जिस कारण शेख मुजीब की रूलिंग पार्टी के अंदर गलतफहमी होने लगी थी। इसके अलावा बांग्लादेशियों को भारतीय सरकार की नीयत पर भी शक होने लगा था। इन सब के साथ भारतीय सरकार पर तस्करी के आरोप भी सामने आने लगे थे। ये आरोप काफी हद तक सच भी थे। कुछ मारवाड़ी व्यापारी और कुछ बांग्लादेश के व्यापारी फैक्ट्री के सामान और गुड्स की तस्करी करने में लगे हुए थे। भारतीय सरकार ने भी इस तस्करी को रोकने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं की। मदद तो छोड़िए, हमारी सरकार ने तस्करी के आरोप से इनकार कर दिया था, जिस कारणवश बांग्लादेश की जनता का विश्वास भारतीय सरकार से उठ गया था। फिर इंडियन डिप्लोमेट्स जो दिल्ली और ढाका में थे उनका ये मानना था कि उन्होंने बांग्लादेशियों के लिए बहुत कर दिया है, अब सारे बांग्लादेश वासियों को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। इस व्यवहार ने एक खराब स्थिति को और बदतर बना दिया था। इन सब गलतियों को अगर एक बार को नजरअंदाज भी कर दें तो भारतीय डिप्लोमेट्स की सबसे बड़ी चूक ये थी कि वो भारत के समर्थक जो बांग्लादेश में थे उनको सहयोग नहीं कर पाई। इंडियन डिप्लोमेट्स का कहना था कि बांग्लादेश में कोई भारत को समर्थन नहीं देता है, पर असलियत में बांग्लादेश में ऐसे बहुत से लोग थे जो भारत का समर्थन करते थे। लेकिन जब उन लोगों को भारतीय डिप्लोमेट से समर्थन और सम्मान नहीं मिला तब उन लोगों ने भी भारत का समर्थन करना बंद कर दिया। इस रिपोर्ट के बाद रॉ को ये साफ हो गया था कि अब बांग्लादेश में भारत का कोई समर्थक बाकी नहीं रहा है। ये भारत के लिए बहुत गंभीर समस्या थी। बांग्लादेश की इस स्थिति का बाकी सारे देश भरपूर लाभ उठाना चाह रहे थे। ये भारत के महत्वपूर्ण इलाकों और भारतीय सुरक्षा के लिए विनाशकारी साबित हो सकता था। ऐसा ना हो उसके लिए भारतीय सरकार ने रॉ के साथ मिलकर बांग्लादेश को फिर से भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। इस कार्य को कैसे अंजाम दिया गया और क्या इस कार्य में भारत सफल रहा कि नहीं, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए
और सुनते रहिए रॉ की अनसुनी और रोमांचक कहानियां। बांग्लादेश से दोस्ती के उतार चढ़ाव। स्वागत है आप सबका रॉ की अनकही कहानियों के दूसरे भाग में। पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे भारत के हाथ से बांग्लादेश की स्थिति अनियंत्रित हो गई। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि बांग्लादेश के साथ फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाना भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण था। ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश की आजादी में रॉ का बहुत बड़ा हाथ था। इस कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए भारत ने एक प्लान बनाना शुरू किया। साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों ने प्लान बनाते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखने का सुझाव दिया। पहला कि बांग्लादेश स्वतंत्र होने के पहले 20 साल तक पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ था। उस समय पाकिस्तान की सरकार ने बांग्लादेशियों के जहन में हिंदुओं और भारत के खिलाफ जहर भर दिया था। इस वजह से साइकोलॉजिस्ट का कहना था कि बांग्लादेश में ऐसे अनेक मुस्लिम होंगे जो पहले से ही भारतीय लोगों के खिलाफ होंगे। इसके साथ ही बांग्लादेश को अब नई आजादी मिली थी, तो बांग्लादेश की जनता दुनिया के सामने अपनी छवि को लेकर बहुत गंभीर थी और वो लोग उस समय अपने आप को भारत से नीचा समझते थे। ये एक और कारण था जिससे वो भारत से दूरी बनाकर रखना चाहते थे। इन सब गंभीर कारणों को देखते हुए ये सुझाव दिया गया कि भारतीय सरकार को बांग्लादेश के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए हर कदम संभाल कर रखना होगा। पहले तो भारतीय सरकार को ये ध्यान रखना था कि कोई विदेशी तत्व भारत के खिलाफ बांग्लादेश को भड़काने में सफल न हो। दूसरा ये कि बांग्लादेश में मौजूद हिंदू माइनॉरिटी को मुस्लिम मेजॉरिटी द्वारा दबाया न जाए। इस समय सबसे बड़ा डर था कि ये स्थिति फिर से पाकिस्तान और भारत के बंटवारे के जख्म को हरा कर देगी। इसके साथ ही भारत सरकार को ढाका की सरकार के लोगों के साथ अपने रिश्ते भी सुधारने थे। और इस प्लान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये था कि भारत सरकार को बड़ी चालाकी से बांग्लादेश को अपने साथ करना था, जिससे दोनों देशों के लोगों का उद्धार तेजी से हो पाए। भारत सरकार को बांग्लादेश को ये आश्वासन दिलाना होगा कि भारत सरकार उनके साथ खड़ी हुई है, जिसके बाद वो बांग्लादेश में भारत सरकार की एक अच्छी छवि सामने रख पाएंगे। फिर रॉ ने भारतीय सरकार को ये सुझाव दिया कि बांग्लादेश वासियों को एक वार्निंग दे कि अगर बांग्लादेश की मुस्लिम मेजॉरिटी हिंदू माइनॉरिटी का खात्मा करने की या भारत भगाने की कोशिश करेगी तो उसको एक अनफ्रेंडली और शत्रुतापूर्ण कार्य माना जाएगा। इन सब के साथ बांग्लादेश को भारत की पकड़ से दूर जाते हुए देखकर रॉ के कुछ एजेंट्स का मनोबल गिरने लगा था। इन्हीं स्पाइस में से कृष्णा नाम के एक नौजवान एजेंट थे। उनका कहना था कि वो लोग जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करके एक नए देश बनाने पर काम कर रहे थे, तब उनको लगता था कि कुछ भी हो बांग्लादेश और भारत में तनाव कभी नहीं आएंगे। लेकिन उनको डिप्लोमेट्स ने गलत साबित कर दिया था। अब उनको इस आकस्मिक तख्ता पलट के बाद ये चिंता थी कि अब बांग्लादेश के जरिए पाकिस्तान और चाइना भारत पर आक्रमण कर सकते थे। ये सब देखते हुए कृष्णा ने रॉ चीफ आरएन काओ से मिलने का निर्णय लिया। वो दिसंबर 1975 में उनसे मिलने दिल्ली गए थे। वहाँ उन्हें पता चला कि काओ एक और परेशानी से जूझ रहे थे। ये परेशानी थी पाकिस्तान की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, जिसका नेतृत्व उस समय ल्यूटेंट जनरल गुलाम जिलानी खान कर रहे थे। पाकिस्तान उस समय अपनी पकड़ ISI के जरिए बांग्लादेश में मजबूत कर रहा था। इसका पलटवार करने के लिए रॉ ने ये निर्णय लिया कि वो अपने खबरी पूरे बांग्लादेश में फैला देंगे। इससे रॉ को बांग्लादेश में हो रही हर छोटी से छोटी चीज की खबर रहेगी। इस मिशन को अंजाम देने के लिए भारतीय सरकार की हर ऑर्गेनाइजेशन जो बांग्लादेश से जुड़ी हुई थी, उसमें रॉ के एजेंट्स का होना अनिवार्य हो गया था। इस प्लान को अंजाम देने के कुछ दिनों बाद ही बहुत सी जरूरी जानकारी रॉ को पता चलनी शुरू हो गई थी। पहली जानकारी ये थी कि पाकिस्तानी सरकार ने ढाका में एक नई एम्बेसी खोलने का निर्णय लिया था। ये कोई छोटी एम्बेसी नहीं होगी। इस एम्बेसी में 100 से 150 पाकिस्तानी काम पर रखे जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी सरकार चिटगांव में एक छोटी कंसुलेट खोलने के फिराक में भी थी। यदि पाकिस्तान का ये प्लान सफल होता तो इसका अंजाम सीधा बांग्लादेश की अनेक मिनिस्ट्रीज पर पड़ेगा, खासकर फॉरेन मिनिस्ट्री पर। यहाँ पर पाकिस्तान अपने रुतबे का इस्तेमाल करते हुए भारत को बांग्लादेश के साथ जुड़ने से रोक सकता था। जो ब्यूरोक्रेट 1971 में हटा दिए गए थे, अब वो पाकिस्तानी एम्बेसी आने के बाद फिर से सरकार में वापस आ रहे थे, जिससे पाकिस्तान को बांग्लादेश में हो रही हर चीज की पल पल की खबर मिलती रहेगी। जाहिर है इसका सीधा असर भारत पर पड़ना था। यदि भारत बांग्लादेश के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, तब पाकिस्तान पीछे से
बांग्लादेश को भारत के खिलाफ भड़काने में सफल हो जाएगा। पाकिस्तान बांग्लादेश के स्कूल, यूनिवर्सिटी और मदरसों में प्रो इस्लामिक और प्रो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा चलाएगा, साथ ही लोगों के जहन में एंटी इंडियन और एंटी हिंदू भावना भर देगा। इसी बीच पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने एक काफी परेशान करने वाला स्टेटमेंट दे दिया था। उनका कहना था कि बांग्लादेश एक दूसरा वियतनाम बन सकता है, जिससे ये साफ हो गया था कि पाकिस्तान नागाज, मिजोस और नक्सलवादी की पूरी सहायता करेगा। इसके साथ ही ये भी संभावना थी कि पाकिस्तान नेपाल के मन में भी भारत के खिलाफ जहर भर दे, जिससे भारत चारों तरफ से दुश्मनों से घिर जाए। इसके साथ पाकिस्तान ने अपने आप को मुस्लिमों का रक्षक कहा था, जिससे पाकिस्तान ये साफ करना चाहता था कि वो भारत के मुसलमानों को भी भारत में नहीं रहने देना चाहते थे। यदि पाकिस्तान बांग्लादेश पर जीत हासिल कर लेता है तो वो भारत के अंदर बिहार, बंगाल, त्रिपुरा और असम में रह रहे मुस्लिम आवाम को भारत के खिलाफ भड़काने में सफल हो सकते थे। पाकिस्तान के अलावा भारत के लिए दूसरे देश भी गंभीर समस्या बन गए थे। यूएसए और अरब दोनों ही इस स्थिति का पूरा फायदा उठाने की फिराक में थे। दोनों ही सेक्युलरिज्म की भावना को बांग्लादेश से खत्म करना चाह रहे थे, जिससे कि उनको मेजॉरिटी मुस्लिम का सपोर्ट मिलने में आसानी हो। साथ ही बहुत से बांग्लादेशी हिंदू इस सरकार परिवर्तन के बाद गैर कानूनी तरीके से भारत के अंदर आना चाह रहे थे, जिस कारण भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी या बीएसएफ को 1975 में 18 बटालियन को डिप्लॉय किया गया। इसके अलावा 3 और बटालियन को रिजर्व में रखने का निर्णय लिया गया, लेकिन बोर्ड्स की कमी के कारण बीएसएफ को काम करने में दिक्कत हो रही थी। उस समय बीएसएफ के पास केवल 4 बोर्ड्स थीं, जिससे उनको 58 माइल के बॉर्डर को संभालने का कार्य मिला हुआ था। बीएसएफ ने भारत सरकार से और बोर्ड्स देने की मांग रखी, जिसके बाद सरकार ने तय किया कि वो इक्विपमेंट और बोट खरीदने के साथ ही 4 बटालियन बॉर्डर के लिए और निर्धारित करेंगे। यदि बॉर्डर सिक्योरिटी का ये मिशन भारत को सफल करना था तो इस काम को करने में रॉ का सहयोग जरूरी था। इस काम को सफलतापूर्वक करने के लिए रॉ ने स्टेट पुलिस और सेंट्रल एजेंसी के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया था। अब दोनों भारत और बांग्लादेश की एजेंसी की तरफ से इंटेलिजेंस मिलनी शुरू हो गई थी, जिसका इस्तेमाल करके भारत और बांग्लादेश के बीच घुसपैठियों में कमी आने लगी थी, लेकिन अभी भी कुछ लोग आने में सफल हो रहे थे। इसी बीच मियां, बांग्लादेश की एजेंसी जो बांग्लादेश के सारे देश से डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाने में बांग्लादेश को मार्गदर्शन करती है, उनको ये लगने लगा था कि नई दिल्ली बांग्लादेश के इस तख्तापलट से संतुष्ट नहीं है। इस संदेह का कारण भारत का बांग्लादेश की नई सरकार की तरफ बर्ताव था। पहला कारण था कि जब बांग्लादेश ने अपने आप को एक इस्लामिक देश घोषित किया, तब भारतीय सरकार ने इसका ना ही विरोध और ना ही समर्थन किया। इसके अलावा दूसरा कारण ये भी था कि जो मिनिस्टर ढाका में तख्तापलट से पहले स्थित थे, वो मिनिस्टर सरकार परिवर्तन के बाद बांग्लादेश में दोबारा मिनिस्ट्री संभालने नहीं आए। इन संदेहों को कम करने के लिए भारतीय सरकार ने अपने पुराने डिप्लोमेटिक मिनिस्टर्स को वापस ढाका भिजवा दिया। इससे एक फायदा ये भी था कि अब भारत को बांग्लादेश में हो रहे राजनीतिक फैसलों के बारे में भी पता चलता रहेगा। बांग्लादेश की नई सरकार भारत के सामने ऐसी तस्वीर रखना चाह रही थी कि उनका इस तख्तापलट के बाद भारत से कोई बैर नहीं है, उल्टा वो लोग भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को पहले जैसा ही रखना चाहते थे। भले ही बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ ज्यादा दोस्ती रख रहा था, लेकिन अंत में बांग्लादेश दोनों पाकिस्तान और भारत के नियंत्रण और प्रभाव से दूर रहना चाहता था। बांग्लादेश की नई सरकार एक स्वतंत्र बांग्लादेश का स्वप्न देख रही थी, पर ये सब कहने और सुनने में अच्छा लगता था, असल में इस सपने को पूरा करना बहुत मुश्किल था। इस चीज को देखते हुए भारतीय सरकार ने ये तय किया कि जैसा बांग्लादेश की नई सरकार चाहती है, वो वैसे ही सब कुछ सामान्य चलने देंगे, जिससे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पहले जैसे ही मजबूती से कायम रहें। दूसरी तरफ भारत की सीक्रेट एजेंसी रॉ बांग्लादेश में रह रहे अपने पुराने स्पाई और एजेंट्स को एक्टिव करने में लगी हुई थी। उसमें से बहुत से तख्तापलट के बाद अंडरग्राउंड हो गए थे, लेकिन रॉ फिर भी कुछ ऐसे नामी लोगों की खोज में लगी हुई थी जो बांग्लादेश में आकर अपना राजनीतिक रुतबे का इस्तेमाल कर सकते थे। इसका उद्देश्य था कि भारत को समर्थन मिल सके, पर ऐसे जितने भी लोग थे वो शेख मुजीब की सरकार के खात्मे के बाद बांग्लादेश छोड़कर दूसरे देश से अपना काम कर रहे थे। रॉ को एक संभावना ये भी लग रही थी कि बांग्लादेश की पुरानी सरकार के लोग सब किसी दूसरे देश निर्वासन में थे
और वो लोग वहाँ अपनी पुरानी सरकार को मजबूत करने में लगे होंगे। लेकिन इस संभावना को सीनियर रॉ ऑफिसर एनएफ संतूक ने पूरी तरीके से नकार दिया था। उनका कहना था कि जो लीडर अपनी सरकार ऐसे भगोड़ों की तरीके से छोड़ता है, वो कायर इंसान कभी भी दूसरी मजबूत सरकार बनाने के बारे में नहीं सोच सकता था। एनएफ संतूक का ये अनुमान बिल्कुल सही था। प्रो आवामी लीग के बहुत से एमपी ने इस सत्ता परिवर्तन की खबर सुनते ही बांग्लादेश छोड़ दिया था। दो व्यक्ति प्रो आवामी लीग के बड़े नेता माने जाते थे, जिनमें से एक का नाम जस्टिस अबू सईद चौधरी था और दूसरे का नाम कमल हुसैन था। ये दोनों पहले भी बांग्लादेश का उद्धार नहीं चाहते थे और सत्ता बदलने के बाद से उन लोगों में नई सरकार से भिड़ने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं थी। लेकिन इस राजनीतिक खेल में साहब देखा जाए तो अपना सबसे सगा रिश्तेदार भी सगा नहीं रहता है। तो जैसे ही यह तख्ता पलट हुआ, वैसे ही चौधरी साहब ने नई सरकार से हाथ मिला लिया, जिसके बदले नई सरकार ने उनको तुरंत मिनिस्टर का दर्जा दे दिया था। लेकिन चौधरी इस नए गठबंधन और दोस्ती का एहसास भारत को नहीं देना चाहते थे। उन्होंने अपने आप को भारत का एक सच्चा दोस्त कहा। रॉ के एक एजेंट जिनका कोड नेम शिवा था, वो जब चौधरी से मिलने न्यूयॉर्क गए तो चौधरी ने बताया कि वो भारत के साथ पूरी तरीके से खड़े हुए थे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इंटरनेशनल फोरम में पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ बोलने से मना किया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कमाल हुसैन भारत के दोस्त होने का केवल दिखावा करते हैं, जबकि असल में कमाल हुसैन ही बांग्लादेश की नई सरकार को भारत के खिलाफ भड़काते थे। इसके अलावा रॉ नई सरकार के और भी नई प्रभावशाली बांग्लादेशी प्लेयर्स पर नजर बनाए हुए थी। उसमें से एक चीफ ऑफ एयर स्टाफ एवीएम तोवाब थे। वो जिया के प्रभाव के सामने एक नए प्रतिनिधि के रूप में उभर रहे थे। वो नई सरकार के एक स्वदेशी ऑफिसर थे, तो जाहिर है उनकी सोच भी प्रो वेस्ट और प्रो पाकिस्तानी थी। परंतु नई सरकार में हो रही कुछ चीजों से वो नाखुश थे। इस समय की कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट का कहना ये भी था कि वो जिया को बांग्लादेश को प्रो पाकिस्तान बनाने की चाल को नाकाम या स्थगित कर रहे थे। इसके अलावा रॉ को ये खबर भी मिली कि तोवाब लीबिया से कुछ पुरानी सरकार के ऑफिसर्स को बांग्लादेश में वापस लाने की फिराक में थे, जिससे वो जियाउर रहमान के बढ़ते दबदबे को रोक सके। इसके अलावा रॉ को थोड़ी सी उम्मीद मेजर सलील द्वारा संचालित जटिया समाजतांत्रिक दल या फिर JSD से भी थी। यही एकमात्र ऑपोजिशन थी सरकार के खिलाफ जो प्रो मुजिब थी। JSD की आर्म्ड फोर्सेस में जबरदस्त पकड़ थी, जिसका फायदा उठाकर कई बार उन्होंने बांग्लादेश की आर्म्ड फोर्सेस में गंभीर स्थिति पैदा करी थी। इसके बारे में जैसे ही खबर जियाउर रहमान तक पहुंची, उन्होंने अपनी ऐसी गलतियों को नजरअंदाज ना करने के वादे को पूरा करते हुए JSD के खिलाफ क्रैकडाउन किया। ये कार्यवाही कुछ हद तक सफल भी रही, लेकिन JSD पार्टी के बहुत से लोग बचकर बांग्लादेश से भाग गए या कुछ बस अंडरग्राउंड हो गए थे। खबर यह भी थी कि JSD अन्य ऑपोजिशन पार्टी के साथ मिलकर एक नई सरकार बनाना चाहती थी। इन कुछ ऑपोजिशन पार्टी के नाम थे परबो बंगलार कम्युनिस्ट पार्टी, परबा बांग्लार सामियादी दल, ईस्ट पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी और परबा सरभरा दल। इन लोगों का प्लान ये था कि बांग्लादेश में कुछ खाली स्थानों में, जैसे कि पुलिस स्टेशन, गांव के बैंक इत्यादि में आक्रमण करके वर्तमान सरकार के लिए दिक्कतें उत्पन्न करना। लेकिन ये प्लान वो लोग तब तक लागू नहीं कर सकते थे जब तक चाइना का बांग्लादेश को लेकर कोई निर्णय नहीं आ जाता है। इन सबको देखते हुए संतूक का असेसमेंट बिल्कुल सही साबित हो रहा था। बांग्लादेश की आर्म्ड फोर्सेस दो हिस्सों में बट चुकी थी, एक भाग जिसने बांग्लादेश की आजादी के लिए 1971 में जंग लड़ी थी, दूसरी जिसने नई सरकार के साथ हाथ जोड़ लिया था और जो पाकिस्तान की समर्थक थी। और पूरे बांग्लादेश में ऐसा कोई भी व्यक्ति वर्तमान में नहीं था जो जिया को मार्शल लॉ लाने से रोक सके। लेकिन JSD जैसी पार्टी ने फिर से एक उम्मीद जगा दी थी। इन सब के बावजूद रॉ का ये मानना था कि अब आर्म्ड फोर्सेस में भी प्रो इस्लामिक भावना बस चुकी होगी, जिससे भारतीय एजेंट्स को वहां काम करने में दिक्कतें हो सकती थीं, जिसके चलते रॉ के ऑफिसर्स ने अपनी टीम में जिया के साथ और उनके खास लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया था। यह ऑपरेशन पूरी तरह से एक शतरंज का खेल था। भारतीय सरकार को बस बांग्लादेश में लोकतांत्रिक माहौल वापस चाहिए था। दूसरी तरफ जिया बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में लगातार बदलाव लाने में लगे हुए थे। वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे जो आर्मी को पूरे देश संभालने की ताकत दे सके। रॉ के स्पाइस को ये भरोसा था कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट अबू सदात मोहम्मद सयम और जिया की इस बात पर बिल्कुल नहीं बनेगी।
उस समय के रॉ के एजेंट थे जिनका कोड नेम राजा मान सिंह था। उनका कहना था कि अबू सादत मोहम्मद सायम को जिया ने ही तख्त पलट के बाद चीफ जस्टिस के स्थान से उठाकर बांग्लादेश का प्रेसिडेंट बनाया था, जिसके बाद जिया मार्शल लॉ ऑफिसर बन गए थे और उन्होंने उनकी सरकार के खिलाफ उठ रहे हर एक व्यक्ति को दबाने या खत्म करने का प्रण लिया था। उनका पहला निशाना जेएसडी पार्टी और उनको चला रहे नेता थे। उनके इस निर्णय के चार महीने में ही जो अभियान दिसंबर 1976 से मार्च 1977 के बीच चला, उससे जेएसडी के बहुत से नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोकने में कामयाब रहे। दूसरी तरफ भारत में सरकार बदल गई थी। इंदिरा गांधी की जगह अब भारत में नए प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई आए थे। इन्होंने रॉ एजेंसी में काफी बदलाव किए, जिससे बांग्लादेश की स्थिति तो नहीं बदली लेकिन रॉ एजेंसी पूरी तरीके से हिल गई थी। क्या बदलाव हुए और फिर कैसे बांग्लादेश की स्थिति को वापस काबू में लाया गया, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए इंडियन एजेंसी रॉ की अनकही कहानियां। ऑपरेशन फेयरवेल। पिछले भाग में हम सब ने जाना कि कैसे रॉ दोबारा बांग्लादेश में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए दिन रात काम करने में लगी हुई थी। हमने ये भी जाना कि कैसे जिया ने 1977 तक अपने खिलाफ खड़े हर प्रतिनिधि को अपने सामने या तो झुका दिया था या उसे अंडरग्राउंड होने पर मजबूर कर दिया था। दूसरी तरफ भारत में मोरारजी देसाई और जनता पार्टी का ये मानना था कि रॉ एजेंसी में ऐसे बहुत से एजेंट हैं जो कांग्रेस पार्टी के वफादार हैं, जिस कारण बहुत से एजेंट को कार्य से हटा दिया गया था, जिसमें काओ जो रॉ के फाउंडर थे और उनके बेस्ट ऑफिसर के शंकरन नायर भी शामिल थे। इन सब के अलावा रॉ के चल रहे सारे विदेशी ऑपरेशंस को रोक दिया गया था, साथ ही बहुत से नए रिक्रूट को भी फील्ड में बिना किसी हैंडलर के छोड़ दिया गया था। इन सब से रॉ की हालत बहुत नाजुक हो गई थी। इस बीच मोरारजी देसाई ने सारी जिम्मेदारी संटूक को दे दी थी। संटूक ने ऐसे में रॉ को बहुत मुश्किल से संभाला। इसी बीच वो बांग्लादेश की स्थिति पर भी नजर बनाए हुए थे। मोरारजी देसाई का मानना था रॉ ने कांग्रेस पार्टी का इमरजेंसी में समर्थन किया था, जिस कारण वो रॉ के खिलाफ थे और उन्होंने रॉ का एनुअल बजट 30% कम कर दिया था। फिर उन्होंने एक टेलीफोनिक वार्तालाप में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जियाउल हक को पाकिस्तान में काम कर रहे हर रॉ एजेंट की जानकारी दे दी थी, जिसके अंजाम स्वरूप बहुत से रॉ एजेंट पाकिस्तान में या तो बंदी बना लिए गए थे या मार दिए गए थे। इसके साथ उन्होंने जियाउल हक को ये जानकारी भी दे दी थी कि भारत को पता है कि पाकिस्तानी कहूता में न्यूक्लियर बम बना रहे थे। रॉ के एक एजेंट ने कहूता प्लांट का ब्लूप्रिंट लेने का सौदा भी कर लिया था, लेकिन जब बात इस सौदे को पूरा करने की आई तब रॉ के एजेंट्स ने मोरारजी देसाई को इस बारे में बताया। इसका कारण था कि रूल्स के अनुसार जब भी कोई रॉ का एजेंट फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करेगा तब उसको प्राइम मिनिस्टर की अनुमति मांगनी पड़ेगी। इस अनुमति को देसाई ने तुरंत मना कर दिया था। संटूक के बहुत समझाने के बावजूद भी उन्होंने इस प्लान को आगे ले जाने की अनुमति नहीं दी। मोरारजी देसाई का कहना था कि वो किसी भी देश के इंटरनल मैटर में दखलंदाजी नहीं करेंगे। इस सब की वजह से रॉ की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक तरफ बांग्लादेश में भी उनकी पकड़ मजबूत नहीं हो पा रही थी, दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत के मुकाबले और शक्तिशाली होता जा रहा था। इन सब के बीच बांग्लादेश में एक नई पार्टी का फरवरी 1978 में गठन हुआ, जिसका नाम जातीय अतबादी जांत्रिक दल रखा गया था। सितंबर 1978 में जियाउर रहमान को इसका संचालक बनाया गया। फिर सभी पार्टीज को छोड़कर जियाउर रहमान ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बनाई। बीएनपी ने 1979 के इलेक्शन में 300 में से 207 सीट पाकर जीत हासिल कर ली थी, लेकिन रॉ एजेंट जिनका कोड नेम राजा मान सिंह है, उनकी माने तो जियाउर रहमान को शेख मुजीब जैसा रुतबा पाने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन इस बीच जियाउर रहमान ने अपने रिश्ते यूएसए और चीन के साथ मजबूत कर लिए थे, जिस कारण उन्हें भारत और रूस से दूरी रखनी पड़ रही थी। भारत के लिए इस पूरे मामले में बस एक सांत्वना थी कि बांग्लादेश की आर्मी के हेड मोहम्मद इरशाद थे। इस बीच मोरारजी देसाई ने अपना इस्तीफा दे दिया था, जिस कारण 1980 में इंदिरा गांधी फिर से भारत की प्राइम मिनिस्टर बन गई थी। उनके वापस आते ही रॉय एजेंसी के पास फिर से पूरी ताकत आ गई थी, जिस बीच भारत ने बांग्लादेश में जियाउर रहमान की मदद करके डेमोक्रेसी लानी चाहिए।
लेकिन जियाउर रहमान भारत की तरफ से दोस्ती के हाथ को लेकर संदेह में थे। उसी बीच उनका व्यवहार जनता और आर्मी की तरफ बहुत कठोर होता जा रहा था, जिस वजह से बांग्लादेशी लोग उनसे घृणा करने लगे थे। ये सारी खबर रॉ तक पहुंच चुकी थी, तो रॉ के एजेंट राजा मान सिंह को यकीन था कि कुछ समय की बात और है, फिर से बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने जा रहा था। उनका यह शक बिल्कुल सही साबित हुआ जब 30 मई 1981 में जियाउर रहमान को चितगांव में उन्हीं के आर्मी ऑफिसर्स के ग्रुप ने उनका असैसिनेशन कर दिया। इससे यूएसए, चाइना और इस्लामिक देशों को एक बड़ा झटका लगा था, लेकिन भारत को बिल्कुल झटका नहीं लगा था, क्योंकि रॉ को इस असैसिनेशन की भनक पहले ही लग चुकी थी। इस असैसिनेशन का कारण था बीएनपी पार्टी में काम कर रहे नेता और उनके संचालक जियाउर रहमान। बीएनपी पार्टी पूरी तरीके से एक घूसखोर पार्टी बन चुकी थी, साथ ही जियाउर रहमान के चलते बांग्लादेश कभी भी एक सेकुलर देश में तब्दील नहीं हो सकता था। इस असैसिनेशन के बाद बीएनपी पार्टी में काम कर रहे नेता सत्तार ने जनता को यह आश्वासन दिया कि बांग्लादेश में इलेक्शन फिर से होंगे। ये इलेक्शन 1981 में ही हुए, जिसमें फिर बीएनपी पार्टी को जीत हासिल हुई, लेकिन मोहम्मद इरशाद ने यह जश्न ज्यादा दिन चलने नहीं दिया। उन्होंने बिना खून खराबा किए सफलतापूर्वक 1982 में तख्त बदल दिया, जिससे बांग्लादेश का पूरा नियंत्रण अपने पास कर लिया था। लेकिन इरशाद और उनकी आर्मी बांग्लादेश में इंडिया का बढ़ता प्रभाव देखकर सावधानी से बर्ताव करना चाहती थी। बांग्लादेशी लोगों को अभी भारत की मौजूदगी पर संदेह था। इसी के चलते बांग्लादेशी ऑफिसर ने ढाका में 25 फरवरी 1982 में इंडियन कमिश्नर मुचकुंड दुबे की गाड़ी का पीछा किया था, जिसके चलते एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव को 4 मार्च 1982 में पार्लियामेंट में इस स्थिति पर आपत्ति जतानी पड़ी। साथ ही बांग्लादेश की सरकार को यह आश्वासन भी दिलाने की कोशिश की गई कि हाई कमिश्नर दुबे सिर्फ अपने काम से काम रख रहे थे, ना कि बांग्लादेश के खिलाफ कोई प्लान बना रहे थे। दूसरी तरफ मोहम्मद इरशाद ने यह साफ कर दिया था कि अगर आगे चलकर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वो स्थिति भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकती थी। इसी बीच इस लड़ाई का फायदा अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी CIA भी उठाना चाहती थी। CIA को यकीन था कि मोहम्मद इरशाद अपनी ताकत ज्यादा दिन तक नहीं संभाल पाएंगे, साथ ही उनको ये तख्त बदल बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। उनको ये भी पता था कि अगर बांग्लादेश में कुछ भी गड़बड़ होगी तो वर्तमान स्थिति देखते हुए उसका सारा इल्जाम भारत सरकार पर जाएगा। भारत सरकार बांग्लादेश में एक लोकतांत्रिक सरकार चाहती थी, लेकिन स्थिति को देखते हुए वो मिलिट्री लीडरशिप को भी स्वीकार करने को तैयार थी। अगर भारत इस समय बांग्लादेश के इंटरनल मैटर में ज्यादा दिक्कतें उत्पन्न करता तो बांग्लादेश और भारत के रिश्ते खराब होने की संभावना बढ़ जाती। इसलिए डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत सरकार ने अपने आप को बड़े दिल वाले पड़ोसी के रूप में दर्शाया, जो बांग्लादेश की नई सरकार का पूरा समर्थन करती थी। भारत ने बांग्लादेश में ढाका और नई दिल्ली के बीच फिर से वार्तालाप शुरू कर दिया, जिसके चलते मोहम्मद इरशाद ने बांग्लादेश में मार्शल लॉ लागू करने के बाद पीवी नरसिम्हा राव को बांग्लादेश बुलाया था। राव ढाका एयरपोर्ट 22 मई 1982 को इरशाद से मिलने पहुंचे, जिस बीच उन लोगों ने रीजनल और इंटरनेशनल इशू पर चर्चा की। इसके बाद मोहम्मद इरशाद अक्टूबर 1982 में नई दिल्ली आए थे। उनकी इस मुलाकात को भारत और बांग्लादेश के आगे चलकर मजबूत रिश्ते होने की था। इंदिरा गांधी और इरशाद ने मिलकर दोनों देश के रिश्ते मजबूत करने की नींव रखी थी। दोनों ने जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन बनाने का फैसला लिया, जिससे दोनों कमर्शियल एक्सचेंज बढ़ा सकें। इसके अलावा भारत ने एग्रीमेंट साइन किया, जिसके चलते बांग्लादेश भारत की नदी तीस्ता के पानी का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन इन सब के बावजूद बांग्लादेश से बड़े स्केल पर घुसपैठ का डर भारत को अभी भी सता रहा था। इसी कारण इंदिरा गांधी ने मोहम्मद इरशाद को इस मुलाकात में याद दिलाया कि बांग्लादेश की आजादी के लिए भारतीय जवानों ने भी शहादत दी थी। उन्होंने इरशाद को यह आश्वासन भी दिया कि भारत बांग्लादेश को ताकतवर और तरक्की करते हुए देश के रूप में ही देखना चाहता है।
इससे दोनों भारत और बांग्लादेश की इकोनॉमी को लाभ होगा। ये सब सुनने के बाद इरशाद और इंदिरा गांधी ने ये तय किया कि इस प्लान को प्रयोग में लाने के लिए उन्हें जोरदार डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज करनी होगी, जिससे दोनों देशों की जनता में आक्रोश कम हो और सब साथ में मिलकर आगे बढ़ पाएं। इस प्लान को प्रयोग में लाने के लिए पहला कदम ये था कि भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव को ढाका सन 1983 में बायलैटरल मीटिंग में भाग लेने के लिए भेजा गया था। इस बीच रॉ एजेंसी में काम कर रहे कोड नेम यासीन मोहम्मद का कहना था कि भारत के लिए सबसे बड़ा खौफ जमात इस्लामी बन के सामने आ रहा था। इसका प्रकोप इरशाद की ताकत में आने के बाद से बांग्लादेश में और बढ़ गया था। जमात अपने एंटी इंडियन प्रोपेगेंडा को जोर शोर से आगे बढ़ा रहा था। यासीन का मानना था कि भारत को ये खौफ था कि जमात आगे चलकर इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसको काबू में रख पाना नामुमकिन हो जाएगा, लेकिन इरशाद ने जमात में हो रहे एंटी इंडियन प्रोपेगेंडा को तुरंत भांप लिया था, जिसके बदले में उन्होंने चुप्पी साधी रही। इस चुप्पी का कारण था कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी प्रो इंडियन इमेज बने। इसका ध्यान रखते हुए इरशाद ने बहुत से इंटरनेशनल फोरम में भारत की फॉरेन पॉलिसी की निंदा की थी। इसके अलावा यूएसए भी बांग्लादेश पर नजर बनाए हुए था। बांग्लादेश यूएसए के लिए बहुत छोटा देश था, लेकिन अगर बांग्लादेश यूएसए के नियंत्रण पर आ गया तो यूएसए के पास सोवियत यूनियन से पलटवार करने के लिए एक साथी रहेगा। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन भी बांग्लादेश पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए था। इन सब के चलते भारत ने भी अपनी पकड़ मजबूत बनाई हुई थी। रॉ और भारतीय सरकार को अब ये पता चल चुका था कि उनको 1976 वाली गलती फिर से नहीं दोहरानी है। सिर्फ कुछ इंडियन डिप्लोमेट्स भेजकर अब भारत बांग्लादेश को अपने साथ जोड़कर नहीं रख सकता था। सन 1983 के दिसंबर महीने में इरशाद ने अपने आप को बांग्लादेश का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया था। इसी बीच इंदिरा गांधी ने जुलाई 1984 में ये तय किया कि सार्क या साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन के सहारे भारत और बांग्लादेश के ज्वाइंट ऑपरेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। ये निर्णय लेने के चार महीने बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को उनके बॉडीगार्ड्स ने उनका असैसिनेशन कर दिया था। ये भारत और पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा झटका था। इसके बाद राजीव गांधी को देश का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। राजीव गांधी ने प्राइम मिनिस्टर बनते ही सबसे पहले ये तय किया कि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते हमेशा मजबूत रहने चाहिए। जब ढाका में एक बड़ा साइक्लोन आया तो सबसे पहले राजीव गांधी ही इरशाद और बांग्लादेश के लोगों की सहायता करने आगे आए थे। इसके बाद राजीव गांधी और इरशाद की दो और मीटिंग अक्टूबर और नवम्बर 1985 में हुई थी, जिसमें दोनों ने गंगा नदी के पानी की कमी के साथ बायलेटरल रिश्ते के ऊपर भी बातचीत की थी। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश दोस्ती का हाथ यूएसए के साथ भी बढ़ा चुका था, जिस कारण बांग्लादेश की बहुत सी इंटेलिजेंस सीआईए के हाथ लग रही थी। इसकी खबर रॉ एजेंसी को लग गई थी। इरशाद का मकसद इलेक्शन जीतने के बाद मार्शल लॉ को 4 साल तक और लागू करना था। इस इलेक्शन में भी इरशाद 300 सीटों में से 183 सीट हासिल करने में कामयाब रहे थे। इरशाद का कहना था वो मार्शल लॉ तब तक नहीं हटाएंगे जब तक वो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट नहीं बन जाते। ये खबर रॉ ने भारत सरकार को दी। ये खबर सुनने के बाद जब इरशाद नई दिल्ली आए तो भारत के प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह ने बांग्लादेश को स्थापित करने के लिए भारत के बलिदानों की याद दिलाई, लेकिन फिर भी इरशाद का बर्ताव भारत को लेकर बिल्कुल नहीं बदला। इससे हैरान होकर रॉ ने अपने शैडो ऑपरेटर्स को बांग्लादेश में फिर से 1988 में भेजा। उनके स्टेशन हेड का कोड नेम कृष्णा पटवर्धन था। उन्होंने अपने जूनियर एजेंट से मिलते ही सबसे पहले ये जानना चाहा कि क्या उनका कवर बांग्लादेश में बना हुआ है या नहीं, जिसका जवाब ना में आया था। जो लोकल स्टाफ रॉ के लिए काम कर रहे थे वो असल में इरशाद के लोग थे। ये सुनते ही पटवर्धन ने तय किया कि कोई भी प्लान लिखकर या मेमो में नहीं बनाया जाएगा। जो भी वो लोग प्लान कर रहे हैं वो सब उन्हें याद रखना होगा और दिमाग में बैठा लेना होगा। इस बीच 1989 में भारत में वीपी सिंह देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन इससे रॉ के मिशन में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया था। जनवरी 1990 से पटवर्धन का प्लान बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ने लग गया था। सारे एजेंट सिस्टम के अंदर आ चुके थे और एंटी इंडियन मुहिम को मिटाने में लगे हुए थे। इसी बीच इरशाद की सरकार का एक व्यक्ति इस्माइल रॉ के साथ जुड़ गया था। जब भी पटवर्धन और इस्माइल को एक दूसरे से बात करनी होती थी तब इस्माइल न्यूज़पेपर का ओपिनियन पेज पटवर्धन के जूनियर कलीग राकेश दीक्षित को पहुंचा देते थे।
इसके अलावा पटवर्धन को एक और जीत हासिल हुई जब इरशाद के टॉप आर्मी कमांडर ने उन आईएसआई और सीआईए ऑफिसर्स के नाम का खुलासा किया जो इरशाद की सरकार में बहुत प्रभाव डालते थे। इसी बीच मई 1990 में इस्माइल ने राकेश दीक्षित को एक ताकतवर बांग्लादेशी नेता से मिलवाया। ये नेता इंडियन एजेंसी के साथ काम करके बांग्लादेश से राजनीतिक दबाव को खत्म करना चाहते थे। इस नेता का कोड नेम रॉ ने आमिर रखा था। आमिर का कहना था कि अगर भारत को इरशाद को हटाना है तो उन्हें एक मास पब्लिक मूवमेंट का इंतजाम करना होगा। रॉ में पटवर्धन भी इस असेसमेंट से संतुष्ट थे। पटवर्धन का मानना था कि इरशाद भारत के साथ दोस्ती का ढोंग करके उनकी पीठ में खंजर भोंकने की फिराक में था। इस नए ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन फेयरवेल रखा गया था। जब यह अगस्त के आखिरी हफ्तों में लागू किया गया तो इरशाद के साथ आईएसआई और सीआईए भी बिल्कुल अचंभित रह गई थी। लोग सड़क पर निकलकर इस सरकार का खुला विरोध कर रहे थे। रॉ ने बड़ी चालाकी से यह खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आग की तरह फैला दी थी जिस कारण रॉ के स्पाइस के ऊपर किसी का भी शक नहीं गया था। इसके बाद रॉ ने वो सारे कागजात नष्ट कर दिए जो उन्हें इस रिवॉल्यूशन के साथ जोड़ता था। 25 नवंबर 1990 तक पटवर्धन और उनकी टीम धुएं की तरह बांग्लादेश से गायब हो गई थी। इरशाद को इस बीच 11 दिसंबर 1990 में हाउस अरेस्ट में रख दिया गया था जिसके बाद बांग्लादेश में 27 फरवरी सन 1991 में इलेक्शन रखे गए थे। यहां से बांग्लादेश और भारत के रिश्ते फिर से सुधरते हुए दिखाई देने लगे थे। पटवर्धन की पहचान आज भी गुमनाम है। जनरल इरशाद अंत तक पता नहीं लगा पाए थे कि आखिर पटवर्धन कौन थे जिन्होंने कुछ चंद महीनों में उनकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया था। बांग्लादेश में रॉ की कहानी यहाँ समाप्त होती है लेकिन ये रॉ की अनकही कहानियों का अंत नहीं है। अगली कहानी में हम जानेंगे थ्री मस्केटियर्स इन फिजी के बारे में। फिजी में खूनी जंग। पिछले तीन भाग की कहानियों में हमने जाना कि रॉ की स्थापना कैसे हुई और कैसे रॉ की सहायता से बांग्लादेश की सियासत स्थिर हो पाई। इसके अलावा भारत में इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद राजीव गांधी उनकी जगह काम संभालने लगे थे जिस वजह से रॉ एजेंसी को सरकार का पूरा समर्थन मिला हुआ था। अब कहानी के इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे फिजी में हुए तख्त पलट के कारण भारत फिर से राजनीतिक दलदल में फंस गया था। राजीव गांधी को सन 1986 के बाद से श्रीलंका और पाकिस्तान की तरफ से भारत के लिए हमेशा दबाव बना रहता था जिसका कारण था बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार बनाने में भारत सरकार का हाथ, जिस वजह से भारत सरकार और रॉ को हमेशा भारत के दुश्मनों से दो कदम आगे रहना पड़ता था। इसी बीच फिजी से भारत के लिए एक हैरान करने वाली खबर मिली जिसमें भारत सरकार को पता चला कि इस देश में बिना खून बहाए तख्ता पलट हो गया था। इस तख्त पलट ने भारत को बहुत जटिल स्थिति में डाल दिया था। पहला कि फिजी में रह रहे 49% जनता जो इंडियन मूल की थी उनका क्या होगा, दूसरा कि अब वहां पर आई नई सरकार का भारत के प्रति रवैया क्या होगा। इस तख्त बदल का भारत और दुनिया के लिए क्या महत्व था ये जानने के लिए पहले आपको फिजी देश के बारे में जानना पड़ेगा। फिजी सन 1643 में ब्रिटिश द्वारा खोजा गया था। उस समय यहाँ पर सिर्फ मलेशियन ट्राइबल का बसेरा था जिस पर ब्रिटिश सरकार ने अपना कब्जा जमा लिया था जिसके चलते इंडिया से वो लोगों को काम करने के लिए लाते थे। यही सारे भारतीय थे जिनकी अब सन 1983 तक संख्या पूरे देश के 49% के करीब हो गई थी। ये सारे भारतीय उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाके से थे। ये लोग ब्रिटिश प्लांट ओनर के लिए गन्ने के खेत में काम करते थे। वहाँ भारतीय लोगों को जमीन खरीदने का हक नहीं था। ब्रिटिश राज्य में भारतीय फिजी की केवल 2% प्रॉपर्टी खरीद पाए थे। अब वर्तमान में हम लोग कहानी पर वापस आते हैं। फिजी में हुए तख्त बदल के पीछे कॉलोनल सिटेविनी रबुका का हाथ था जो रॉ चीफ एके वर्मा की इंटेलिजेंस के हिसाब से फिजी में रह रहे सारे भारतीयों को निकालना चाहते थे। फिजी में रह रहे भारतीय रबुका को सांप कहते थे। एके वर्मा ने राजीव गांधी को यह शुरुआत में ही साफ कर दिया था कि फिजी से भारत की लड़ाई बहुत देर तक खिंचेगी जिसके लिए भारत को बहुत से जवानों का खून बहाने के लिए तैयार रहना होगा। रॉ फिजी में रह रहे भारतीयों की जड़ों को गहराई से जानता था। भारत के लिए फिजी बहुत महत्व रखता था। फिजी की सन 1970 में आजादी से 4 साल पहले जब ब्रिटिश ने नए लंदन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तब ब्रिटिश ने फिजी को कॉलोनी रूल से हटा दिया था।
लेकिन हटाने से पहले वहां पर फिजीस की एक अलायंस पार्टी को खड़ा कर दिया था, जिसका मकसद वहां पर काम कर रही इंडियन फेडरेशन पार्टी को हराना था। फेडरेशन पार्टी के संचालक भारतीय थे, जिनका नाम एडी पटेल था। अलायंस पार्टी का कहना था कि वो भाईचारे को बढ़ावा देती है और वो जानते थे कि सब भारतीय, फिजी, यूरोपियन और ब्रिटिशर्स जितने भी फिजी में हैं, एक साथ मिलकर आगे बढ़ें। ये यूरोपियन और फिजी देशवासियों की एक चाल थी। अलायंस दुनिया और फिजी में चल रहे लोगों को ये जताना नहीं चाहती थी, जिस कारण अलायंस पार्टी में फिजी में रह रहे भारतीयों को भी जगह दी गई थी, जिससे फेडरेशन पार्टी की पकड़ कमजोर होने लगी थी। वो जानते थे कि फेडरेशन फिजी में रह रहे भारतीयों के लिए काम कर रही थी। लेकिन इन सब के अलावा सबसे हैरत वाली बात तो रॉ चीफ वर्मा जी ने बताई कि फिजी में 1970 से ही वहां पर रह रहे भारतीयों के खिलाफ यूरोपियन और फिजी वाले खिलाफ थे। उन लोगों का तब से यही मानना था कि वो लोग वहां पर रह रहे भारतीयों से ऊपर हैं। ये सब चौंकाने वाली बात इसलिए थी क्योंकि रॉ ने 1980 के बाद से जो भी फिजी के बारे में पढ़ा था, उसमें हमेशा यही लिखा रहता था कि वो एक बहुजातीय देश होने पर गर्व करते थे। इसके अलावा उन लोगों का हमेशा यही कहना था कि वो सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते थे। फिजी का कॉन्स्टिट्यूशन सन 1970 में बना था, जिसके खिलाफ फिजी में रह रहे मुसलमानों ने आवाज उठाई थी। वहां की मुस्लिम पॉलिटिकल दल मुसलमानों के लिए एक अलग प्रतिनिधित्व चाहते थे, जिस दरख्वास्त को उस समय के प्राइम मिनिस्टर रातू मारा ने खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का प्रभाव फिजी में उतना नहीं था। रातू मारा जानते थे कि ऑर्गेनाइजेशन उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगी, जिसका कारण था कि ऐसे कोई भी मूवमेंट में मुस्लिम की हार पक्की थी। वर्तमान में 15 मई 1987 में एनडी तिवारी ने ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी को साफ कर दिया कि फिजी में हुए तख्त बदल की तैयारी फिजी के आजादी सन 1970 से चल रही थी। ये तख्त बदल एक सोची समझी चाल थी। इसका सबूत 1970 में भी भारत के सामने था, जब फिजी को आजादी मिली। उसके बाद फिजी वाले भारतीयों को पार्लियामेंट में जगह देना नहीं चाहते थे। उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने रातू मारा को फिजी में लोकतांत्रिकता आने पर बधाई दी थी, साथ ही उनके लिए उपहार स्वरूप स्पीकर की कुर्सी भी भिजवाई थी। उन्होंने इंदिरा गांधी को यह आश्वासन तो दिलाया था कि वो सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन असल में उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक रिपोर्ट के अनुसार रातू मारा ने अपने विश्वास पात्र से कहा था कि उनका मानना है कि राजनीति में उसी को पार्टी के लिए खड़ा होना चाहिए जो फिजी के लिए बड़े स्तर पर काम कर सके। इसके साथ ही अगर इंडियंस वहां पर खड़े होते हैं तो फिजी और यूरोपियन को ये अच्छा नहीं लगेगा और देश में विवाद बढ़ेगा। साथ ही रॉ ऑफिसर ने ये मीटिंग में हिस्सा लिया था, तब उन सब का एक ही मानना था। रातू मारा ने बहुत पहले से ही फिजी में भारतीय लोगों के खिलाफ दुश्मनी का बीज बो दिया था, जिस कारण मारा ने शुरुआत में तख्त बदल नहीं किया। लेकिन जिस दिन फिजी की राजनीति में वहां के भारतीय आगे बढ़े, उस दिन उन्होंने अपनी घृणा के हथियार को राबुका के रूप में आगे भेजकर तख्त बदल करवा दिया था। रॉ के एजेंट शेखावत का कहना था कि मारा पूरी तरीके से अमेरिकी और ब्रिटिशर्स के साथ जुड़े हुए थे, साथ ही वो भारतीयों से बहुत नफरत करते थे। दूसरी तरफ भारत में भारतीय सरकार भावुक रूप से फिजी भारतीयों से बहुत जुड़ी हुई थी, इसलिए भारतीय सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि डिप्लोमेटिक जटिलता के बीच फिजी में रह रहे भारतीयों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसी कारण जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के इन्वेस्टर्स जब फिजी इन्वेस्ट करने पहुंचे, तो भारतीय सरकार ने भी ये निर्णय लिया कि वो फिजी में परमानेंट व्यापार की स्थापना कर दें। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाले फिजी पर पकड़ बनाने के लिए व्यापार कर रहे थे, दूसरी तरफ भारतीय फिजी में रह रहे जातीय फिजी की क्षमता बढ़ाने के लिए व्यापार कर रहे थे। भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तीनों देशों की आपस में ठीक ठाक बनती थी। उनके अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भले ही कभी कभी मतभेद हो जाता था, लेकिन फिर भी तीनों देशों के बीच ये कभी बाधा नहीं बनी थी, जिस कारण तीनों देशों के आपस में इकोनॉमिक रिश्तों में कोई दरार नहीं आई थी। उल्टा साथ में काम करने के कारण तीनों देश की इकोनॉमिक हालत और बेहतर होती जा रही थी, जिस कारण भारतीय सरकार ने इंडियन टेक्नो इकोनॉमिक टीम को फिजी भेजा था, जिसका कार्य वहां पर स्थिति का जायजा लेना था और ये पता करना था कि भारत के व्यापारी वहां किस चीज पर अपना पैसा लगा सकते थे। लेकिन भारत को ये भनक भी नहीं थी कि कुछ दिनों में फिजी में तख्त पलट होने वाला था।
रॉ के फिजी एजेंट्स की माने तो वहाँ की नई सरकार, जो सही मायने में मल्टी रेशियल सरकार थी, उसके खिलाफ फिजियन सिविल सोसाइटी वाले लोग खुले आम सड़क पर मोर्चा निकाल रहे थे। रॉ एजेंट्स ये सब सिर्फ होता हुआ देख सकते थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। तख्त पलट के एक हफ्ते पहले 14 मई को भारतीय सरकार को एक रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें रबुका के इरादे के बारे में बताया गया था। उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि रबुका ये सब फिजी की सभ्यता को बचाने के लिए कर रहे थे। साथ ही उसने ये बहाना बनाया था तख्त पलट के लिए कि वो फिजी में कानून और व्यवस्था को मजबूत करना चाहते थे। वो चाहते थे कि सारे जातीय भारतीयों को हिंदू और इस्लाम मानने के बजाय क्रिश्चियन बन जाना चाहिए। इसके साथ ही वो चाहते थे कि सारे भारतीयों को फिजी से देश निकाला दे देना चाहिए। ये ना हो, इसलिए बवादरा ने अपनी सरकार को काम करने के लिए और समय की मांग की, लेकिन रबुका ने उनकी एक ना सुनी। उल्टा 14 मई 1987 में रबुका और उनके 10 सोल्जर्स ने पार्लियामेंट के अंदर जाकर कब्जा जमा लिया। पूरी कैबिनेट को उन्होंने उसी समय अपना बंदी बना लिया था। बाद में उन सबको रिहा करने के बावजूद उन सारे मिनिस्टर्स पर उन्होंने कड़ी निगरानी रखना चालू कर दिया था। इन सब के बाद जब राजीव गांधी की मुलाकात रॉ के चीफ से एक हफ्ते बाद हुई, तब उन लोगों ने डिप्लोमेटिक दबाव डालने और कोवर्ट ऑपरेशन करने की बात कही। रॉ के एक टॉप स्पाई ने राजीव गांधी को ये सांत्वना भी दी कि भले ही भारत फिजी में तख्त पलट को नहीं रोक पाया, लेकिन जो कूटनीति रॉ ने 18 सालों में सीखी थी, उसको प्रयोग में लाने का वक्त आ चुका था। जानने के लिए कि किस कूटनीति की यहाँ पर बात हो रही थी और कैसे भारत सरकार ने फिजी को भारतीयों के लिए सुरक्षित बनाया, सुनते रहिए हमारे साथ रॉ की अनकही कहानियाँ। थ्री मस्केटियर्स, स्वागत है आप सबका रॉ की अनकही कहानी के पांचवे भाग में। पहले भाग में हम सब ने जाना कि कैसे फिजी में तख्त पलट हुआ और कैसे इस तख्त बदल की नींव फिजी की आजादी के समय से ही रख दी गई थी। भारतीयों के प्रति भेदभाव और घृणा की वजह से फिजी में स्थिति गंभीर होती जा रही थी। इसी बीच राजीव गांधी को रॉ के टॉप स्पाई ने जीत का आश्वासन कूटनीति और चालाकी से करने की राह दिखाई थी, जिसका पालन करते हुए राजीव गांधी ने अपने साथियों से, जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके में मौजूद थे, उनको बवादरा सरकार को फिजी में वापस लाने पर चर्चा की। एक CIA रिपोर्ट के मुताबिक राजीव गांधी ने इस कार्य के लिए दो खास टीम को कैनबरा, वेलिंगटन और लंदन भेजा था। इसी बीच एक दूसरी CIA रिपोर्ट भी सामने आई थी, जिसको पढ़कर भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय देश भी हैरत में आ गए थे। इस रिपोर्ट में ये साफ लिखा था कि फिजी में रबुका की सरकार आते ही भारतीय फिजी पर जुल्म हो रहे थे। उन लोगों को उनके घर और काम से निकाला जा रहा था, जिस कारण वहाँ के भारतीय फिजी छोड़कर दूसरे देश में जा रहे थे। बाकी जो ऐसा नहीं कर पा रहे थे, वो भारत सरकार से उम्मीद लगाए बैठे थे। ये उम्मीद उन्हें इसलिए थी क्योंकि इसी बीच भारत श्रीलंका में तमिल सेपरेटिस्ट के साथ खड़ा हुआ था। वहां से ये खबर भी आनी शुरू हुई कि फिजी में रह रहे भारतीय नेता हाई कमिश्नर की मदद से दूसरे देशों में इमिग्रेंट रूल में ढील की मांग कर रहे थे, जिससे सारे भारतीय फिजी से निकलकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर पाए। रॉ के एजेंट शेखावत का मानना था कि राजीव गांधी की डिप्लोमेटिक बातचीत से कुछ हासिल नहीं हो रहा था। वो जानते थे कि वो फिजी का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय फोरम में उठाएंगे, जिससे भारतीय फिजी में उम्मीद की किरण जागी रहेगी। लेकिन असलियत तो ये थी कि अंतर्राष्ट्रीय देश जैसे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया फिजी में हुए मिलिट्री तख्त बदल के खिलाफ तो थे, लेकिन वो फिजी में काम कर रही रबुका की सरकार के खिलाफ खुलकर भी नहीं जाना चाहते थे। CIA को ये पता था कि राजीव गांधी वहाँ के भारतीयों को सेकंड क्लास सिटीजन घोषित नहीं होने देंगे। उन्होंने ये करने के लिए भारत को इंटरनेशनल फोरम में विदेश में रह रहे भारतीयों का मसीहा के रूप में दर्शाया, जिससे फिजी में रह रहे भारतीयों में उम्मीद की किरण जाग उठी थी। लेकिन गांधी और रॉ दोनों को ये पता था कि ये जंग की शुरुआत है। इसके साथ अब फिजी में ये भी दिक्कत थी कि सारे ताकतवर अमीर भारतीय फिजी छोड़ चुके थे, केवल गरीब तबके के भारतीय फिजी में मौजूद थे। इसके साथ रबुका सरकार का भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ भेदभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। बावरा सरकार में काम कर रहे फाइनेंस मिनिस्टर महेंद्र चौधरी को रबुका की सरकार ने गिरफ्त में ले लिया था। इसके साथ ही उन्होंने फिजी में रह रहे भारतीयों की जिंदगी दूभर कर दी थी। सारे मंदिरों को बंद करने के अलावा अब प्रार्थना करने के लिए भी
भारतीयों को फिजी सरकार की अनुमति मांगनी होगी। सन 1987 में यह उत्पीड़न इतना बढ़ गया था कि कुछ बचे हुए रॉ एजेंट्स, जिसमें कैलाश सिंह भी मौजूद थे, उन सबको फिजी छोड़कर जाना पड़ा था। रॉ सन 1987 से ही फिजी में कोवर्ट ऑपरेशन करने की फिराक में थी, लेकिन फिजी के नागरिक नहीं चाहते थे कि उनके मामले में भारत सरकार दखलंदाजी करे। इसके चलते रॉ ने इस समय कोई कोवर्ट ऑपरेशन नहीं किया। अगर ये ऑपरेशन असफल होता तो इसका भुगतान वहां पर रह रहे भारतीयों को भुगतना पड़ता। लेकिन शेखावत ने कहा कि ये सब फिजी के सामने भारत का एक छलावा था। रॉ के एजेंट चुपचाप बिना लड़े भारत इसलिए आए थे जिससे कुछ बड़ा और धमाकेदार करें, ताकि फिजी वापस से लोकतांत्रिक देश बन जाए। लेकिन इसी बीच फिजी से रोज राबुका की सरकार के बढ़ते अन्याय और दरिंदेपन की खबर सामने आ रही थी। राबुका के फिजी फौजी भारतीय महिलाओं का गैंग रेप कर रहे थे। कुछ गांव में वो लोगों को नाली के पानी से नहाने पर मजबूर कर रहे थे। इसके अलावा कुछ जगह तो उन लोगों ने बिल्कुल नीचता की हद पार कर दी थी। वहां वो छोटे बच्चों को मारने के अलावा उन्हें गोबर खाने पर भी मजबूर कर रहे थे। इन सब को देख रॉ ने अपने ऑस्ट्रेलियन इन्फॉर्मर को ये सारे सबूत ह्यूमन राइट्स को भेजने का आदेश दिया, जिसके बल पर भारत यूनाइटेड नेशंस को फिजी के खिलाफ कार्य कर सके। इसी बीच राबुका पूरे तरीके से ताकत के नशे में चूर थे। उन्होंने अपने से पहले बवादरा की सरकार के लोगों को दोबारा गिरफ्तार करवा लिया था, जिसमें टिमोकी बवादरा, जाबिर सिंह जो एक लॉयर थे, बॉब कुमार एक फिजी के पॉलिटिशियन थे, और साथ ही हरीश शर्मा को भी, जिन्होंने फिजी के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की गद्दी एक महीने के लिए संभाली थी। सितंबर आते आते राबुका को ये डर लगने लगा था कि फिजी में लोग लोकतंत्र को वापस लाना चाहेंगे। ऐसा ना हो इसके लिए उन्होंने फिजी को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया था। इसके अलावा उन्हें जिस पर भी उनकी ताकत छीन लेने का शक था, उन सबको गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने फिर बिना इलेक्शन करवाए कमिसीज मारा को प्राइम मिनिस्टर बनाया और रतु पेनाइया गनिलाऊ को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। ये दोनों बस राबुका के कठपुतली थे। फिजी में हो रहे हर चीज पर असली अधिकार राबुका का ही था। इसके साथ ही अक्टूबर में राबुका ने यूके से फिजी के सारे नाते तोड़ दिए थे। उनका कहना था कि वो कोई राजनेता नहीं है, वो बस फिजी की सभ्यता को वापस लाना चाहते थे। इन सब के चलते राजीव सिंह ने के नटवर सिंह, जो भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर थे, उनके द्वारा उन्होंने यूएन की सभा में ये साफ कर दिया था कि राजीव गांधी की सरकार कभी भी फिजी की इस मिलिट्री सरकार को मान्यता नहीं देगी। इसके अलावा अगर यूएन ह्यूमन राइट्स की फिक्र करता है तो उनको फिजी में भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों पर दखल देना चाहिए। इसी बीच रॉ एजेंसी की प्लानिंग के बस कुछ हिस्से बाकी रह गए थे, जिस बीच राजीव गांधी ने एजेंसी में ये घोषणा कर दी थी कि रॉ में फिजी को संभालने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई थी, जिसको भारत सरकार ने फिजी में कार्य करने के लिए पूरी छूट दी हुई थी। इस टीम के अंदर 3 जाबाज स्पाई थे, जिस कारण इनका नाम द बैंड ऑफ 3 पड़ गया था। इस ग्रुप के पहले और सबसे अनुभवी स्पाई अनुपम मलिक थे। वो एक 35 साल की उम्र के जूट एक्सपोर्टर थे। उन्होंने ही ऑपरेशन ब्लूप्रिंट की एक एक बारीकी पर काम किया था। ये ऑपरेशन पूरे फिजी के मिलिट्री सरकार को खत्म करने के लिए बनाया था, जिसके चलते पूरी रॉ एजेंसी को हर संभावना के लिए तैयार रहना पड़ेगा। शेखावत का कहना था कि मलिक ने इस ऑपरेशन के लिए 6 महीने का समय मांगा था, लेकिन रॉ तब तक निर्णय ले चुकी थी कि इस ऑपरेशन को 2 महीने में ही खत्म करना था। इस मिशन को अंजाम देने के लिए फिर मलिक ने तैयारी शुरू कर दी थी। पहले वो सैमुअल कूपर, जो एक शक्कर व्यापारी थे, से मिलने गए थे। इसका कारण था कि सैमुअल का व्यापार फिजी और यूके के बीच चलता था, और मलिक ने इससे पहले सैमुअल की मदद भी की थी जब वो जूनियर डिप्लोमेट के पद पर थे। मलिक ने सैमुअल से फिजी में उनके एसेट्स को एक्टिव करने के लिए मदद मांगी और उनसे सिडनी में एक सेफ हाउस की भी मांग की थी। सैमुअल ने ये सारी मांग मान ली और मलिक से इस काम को करने के लिए 1 से 2 हफ्ते का समय मांगा। फिर मलिक की तीसरी मांग से सैमुअल घबरा गए थे। मलिक ने वेलिंगटन में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलने की मांग की थी। तब सैमुअल को ये अंदाजा हो गया था कि मलिक कुछ बड़ा सोच रहे हैं। इस सीक्रेट मिशन के दूसरे मेंबर संजीव सहगल का काम अब शुरू हो गया था। उनको पहले न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन जाना था, जहां पहुंचने के बाद उन्हें उनके कार्य की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। दूसरी तरफ इस ग्रुप के तीसरे मेंबर कैलाश सिंह एक दूसरे प्लान और एक और सेफ हाउस के काम पर लगे हुए थे।
आपको याद होगा कि राबुका ने रॉ एजेंट्स को फिजी से निकाल दिया था। उसमें कैलाश सिंह भी शामिल थे। इसकी जिल्लत का बदला लेने के लिए ही उन्होंने ये मिशन करने का निर्णय लिया था। उन्होंने एक दूसरे सेफ हाउस का इंतजाम एडिलेड साउथ ऑस्ट्रेलिया में किया था, जहां पर उन्हें अप्रैल सन 1988 में पहुंचना था। इन तीनों ने फिजी मिशन का कमांड सेंटर नॉर्थ सिडनी के वाइडम रोड पर एक आम से इलाके में बनाया था। दूसरी तरफ रॉ में फिजी मिशन को लेकर दो गुट बन गए थे। एक का मानना था कि भारत को फिजी के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। दूसरे ग्रुप का मानना था कि अगर भारत दखल नहीं देगा तो वहां पर भारतीयों पर हो रहे जुल्म पर कोई रोक नहीं लगा पाएगा। शेखावत का भी मानना था कि कोवर्ट ऑपरेशन ही भारत का सबसे उत्तम विकल्प है। शेखावत ने इसी कारण मलिक को इस ऑपरेशन का लीडर बनाया था। मलिक उस समय रॉ के सबसे जाबाज ऑफिसर जो थे। अप्रैल के महीने में जब तीनों मेंबर साथ में सिडनी के कंट्रोल रूम में बैठे तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो लोग साथ में कहीं नहीं जाएंगे, वो लोग अलग अलग काम करेंगे और मंथली मीटिंग सेफ हाउस में एक बार किया करेंगे। संजीव सहगल को साइकोलॉजिकल ऑपरेशन का हेड बना दिया गया था। दूसरी तरफ कैलाश सिंह को रबुका के कैंप में घुसपैठ करने का हेड बना दिया गया था। मलिक को इस पूरे ऑपरेशन को नियंत्रण करना था और साथ ही ये भी ध्यान रखना था कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में काम कर रहे रॉ एजेंट्स को इस मिशन की भनक ना लगे। काम बांटने के कुछ दिन बाद ही सहगल ने अपने कॉन्टैक्ट से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में फिजी में लोकतंत्र वापसी की मुहिम चलाकर तहलका मचा दिया था। साथ ही वहां पर हो रहे अन्याय को भी सबके सामने कर दिया था। इस काम को करने के लिए सहगल ने कैलाश की मदद ली थी। कैलाश का मानना था कि फिजी में बचे हुए जितने भी बवादरा सरकार के नेता हैं, उनको अपने साथ जोड़ना और न्यूजीलैंड को फिजी में लोकतंत्र बहाली के समर्थन में खड़ा करना जरूरी है। इस काम को करने के लिए कैलाश ने बेंजामिन टेलर की सहायता ली थी, जो फिजी के राजनेताओं और राजनीति से जुड़े हुए थे। कैलाश चाहते थे कि बेंजामिन उनकी मुलाकात किसी ऐसे पॉलिटिशियन से कराए जो राबुका के खिलाफ खड़ा होने को तैयार हो। बेंजामिन ने दो हफ्ते बाद उनकी मीटिंग एक बड़े और प्रभावशाली पॉलिटिशियन जिनका कोड नेम ARC है उनसे कराई थी। वो कर्नल राबुका से बिल्कुल खुश नहीं थे। इसी कारण उनके खिलाफ वो जनता में कई बार बोल चुके थे, साथ ही वो बवादरा सरकार के बहुत से लोगों से जुड़े भी हुए थे। इसी के चलते कैलाश और ARC के बीच मुलाकात बढ़ गई थी, जिसके चलते कैलाश ने ARC और उनके लोगों को हथियार देने का वादा किया, जिससे वो लोग राबुका की सेना से अपना बचाव कर सके। लेकिन इस प्लान पर पानी फिर गया जब हथियार को ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन के समय पकड़ लिया था। ये खबर रॉ में काम कर रहे एक डबल एजेंट ने दी थी, जिसको रॉ ने तुरंत नौकरी से निकाल दिया था। लेकिन अब खबर बाहर आ गई थी कि भारत फिजी में काम कर रहे ऑपरेशन को हथियार भेज रहा था। इस खबर को दबाने के लिए भारत सरकार ने तुरंत इसे झूठा साबित कर दिया। उन्होंने कह दिया कि ये फिजी सरकार की चाल थी, जिससे वो लोग भारत पर लड़ाई का इल्जाम डाल सकें। इस खबर को सामने आता देख राबुका बिल्कुल बौखला गया था। उसने एक नए कानून का इजाद कर दिया। इसके चलते अब किसी भी भारतीय को वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता था। इस कानून से फिजी सरकार को एक और बहाना मिल गया था भारतीयों को परेशान करने का। इसको देखते हुए मलिक और उनके साथियों ने जुलाई सन 1988 में इस मिशन का दूसरा स्टेज शुरू कर दिया था। अब रॉ एजेंट्स को पता था इस लड़ाई को जीतने के लिए उन्हें फिजी में रह रहे भारतीयों को पैसे से मजबूत करना पड़ेगा। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि तभी वो लोग राबुका की सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालने में कामयाब हो पाएंगे। इस काम को करने के लिए रॉ एजेंट ने ऑस्ट्रेलिया में लेबर पार्टी के हेड बॉब हॉके को अपना साथी बनाया। इससे ये भी लाभ था कि यदि मिशन किसी कारण से असफल होता है तो भारत इस मिशन में अपनी मौजूदगी से इनकार कर देगा। इस मिशन की एक एक बारीकी को संभालने के लिए ग्रुप के तीनों मेंबर ने 3 महीने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में दिन रात काम किया था। जब मलिक भारत सन 1988 में अगस्त के महीने में लौटे, तब उन्होंने इस मिशन को पूरा करने के लिए 3 महीने और मांगे थे, जिसकी अनुमति उनको मिल गई थी। लेकिन उनको इस चीज से भी सचेत कर दिया था कि ये मिशन उन्हें जल्द ही पूरा करना पड़ेगा, जिसका कारण फिजी में राबुका की सरकार के बढ़ते अन्याय थे। साथ ही राबुका फिजी में नया संविधान भी लाने जा रहे थे। इस नए संविधान के अनुसार अब फिजी में रह रहे भारतीयों को ना तो कोई मौलिक अधिकार मिल रहे थे और ना ही मतदान करने का अधिकार मिलेगा।
इस संविधान का ड्राफ्ट जैसे ही मलिक को सिडनी में प्राप्त हुआ, वैसे ही उन्होंने इसको नई दिल्ली भेज दिया था, ताकि भारत की सरकार इस आने वाले नए संविधान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय फोरम में चर्चा कर सके और राबुका की सरकार पर दबाव बना सके। भारत की सरकार ने ऐसा ही किया और इस नए आने वाले संविधान की जमकर निंदा की। अब इस ग्रुप ने अपने मिशन का थर्ड स्टेज शुरू कर दिया था, जिसमें वो लोग राबुका की सरकार में हो रही चीजों की सारी जानकारी चाहते थे। इस काम के लिए इस ग्रुप ने दो लोगों को रिक्रूट किया था। पहली इकनोआ थी। ये एक 30 साल की महिला थी जो फिजी के फॉरेन डिपार्टमेंट में काम करती थी। उन्होंने रॉ एजेंसी के साथ काम करने को हामी भर दी थी, लेकिन इस शर्त पर कि वो अकेले काम करेंगी और भारतीय उनसे खुद कभी संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर कोई खबर होगी तो वो एक बुकशॉप पर मिलने का संदेश छोड़ देंगी। इसी बीच कैलाश ने मलिक को एक और रिक्रूट के बारे में जानकारी दी। इस रिक्रूट का नाम फिलिपी था। ये 50 साल के सिविल सर्वेंट थे जो अपने दिन किसी तरह राबुका की मिलिट्री सरकार में गुजार रहे थे। ये फिजी छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में हमेशा के लिए बसना चाहते थे। इस जानकारी का फायदा उठाकर ही उन्हें रिक्रूट किया गया था। अगर ये रॉ के लिए काम करने के लिए सफल होते हैं तो रॉ एजेंसी इनको ऑस्ट्रेलिया में बसने के लिए पैसा देने को तैयार थी। फिलिपे ने अपनी काबिलियत का सबूत देने के लिए रॉ एजेंट को राबुका सरकार में आ रहे नए लोगों की जानकारी दी थी, साथ ही ऐसे प्रेस या न्यूज वालों की भी जानकारी दी जो ऐसे समाचार बनाने को तैयार थे जो भारत का समर्थन करें। शेखावत के हिसाब से ये बहुत बड़ा अवसर था। वो जानते थे कि इकनोआ और फिलिपे इस गेम में नए हैं, लेकिन रॉ के पास उनके अलावा कोई चारा भी नहीं था। इसी बीच फिजी में प्रो डेमोक्रेसी के लिए मोर्चे और बढ़ गए थे, जिस कारण राबुका की मिलिट्री सरकार को दिक्कत आने लगी थी। लेकिन फिर एक ऐसी चीज हुई जिससे पूरे मिशन पर बर्बाद होने का खतरा मंडराने लगा था। बैंड ऑफ थ्री को उनके दोनों नए रिक्रूट्स इकनोआ और फिलिपे ने अगस्त 1989 में धोखा दे दिया था। ये सारी खबर टेलर को ऑस्ट्रेलियन काउंटर इंटेलिजेंस से पता चली थी। बाद में तीनों को पता चला कि ये सब फिलिपे के कारण हुआ था। फिलिपे ने अपना ऑस्ट्रेलिया जाने का इरादा अपनी यूरोपियन रखेल को बता दिया था, साथ ही उसको भारत के साथ काम करने का प्लान भी बता दिया था। उसने एक खबर फिजी की सरकार को दे दी थी, जिस कारण फिजी की सरकार ने फिलिपे को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। फिलिपे ने अपनी गर्दन बचाने के लिए तुरंत फिजी के फौजियों को भारत के इरादे और मिशन के बारे में बता दिया था। इस बीच बैंड ने अपना पूरा ऑपरेशन मेलबर्न के एक सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया था, लेकिन फिलिपी के धोखे की वजह से मिशन ने कुछ हफ्ते खो दिए थे। साथ ही अब ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस भी कैलाश के पीछे पड़ गई थी। लेकिन भारत ने कैलाश के ऑस्ट्रेलिया में होने की बात को खारिज ये कहते हुए कर दिया कि भारत की एम्बेसी में कैलाश सिंह नामक कोई व्यक्ति नहीं था। सितंबर सन 1989 में उनके इस तीसरे स्टेज ने रंग दिखाना शुरू कर दिया था, जिस कारण फिजी में राबुका की सरकार को अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ने लगा था, जिसके चलते फिजी के संविधान में बदलाव की चर्चा होने लगी थी। इसी के साथ बैंड ऑफ थ्री को फिजी ऑपरेशन के लिए और एक्सटेंशन मिल गया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस ऑपरेशन का चौथा स्टेज लॉन्च कर दिया था। इस चौथे स्टेज में रॉ ने फिजी आर्मी में काम कर रहे सीनियर ऑफिसर्स जो लोकतंत्र की बहाली चाहते थे उनके लिए पैसों का ढेर लगा दिया था, जिसका इस्तेमाल करके वो फिजी में लोकतंत्र ला सके। मलिक की इसी बीच एक फिजी पॉलिटिशियन जिनका कोड नेम MCA था उनसे अच्छी जान पहचान हो गई थी। अब मलिक को फिजी आर्मी में एक बड़ा ऑफिसर भी अपनी तरफ चाहिए था, जिसका इस्तेमाल करके वो राबुका की सरकार की हर जानकारी निकाल सके। इस कार्य में फिजी ऑपरेशन का अब तक सबसे ज्यादा खर्चा आया था। इस इन्फॉर्मर को बैंड ऑफ थ्री ने सुपर इन्फॉर्मर का दर्जा दिया था। साथ ही फिजी के प्रेस को भी रॉ ने ढेर सारा पैसा देकर अपनी तरफ कर लिया था। राबुका ने ये बढ़ता दबाव देखते हुए फिजी में काम कर रहे भारत के एम्बेसडर TP श्रीनिवासन को निकालने का निर्णय लिया था, जिसकी कठोर निंदा भारत सरकार ने करते हुए राबुका को ये चेतावनी भी दी कि भारत सरकार फिजी में रह रहे हर एक भारतीय और उन लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी जो फिजी में लोकतंत्र चाहते थे। इस बीच भारत में इलेक्शन का समय आ गया था। राजीव गांधी की सरकार इस समय बोफोर्स स्कैंडल में भी फंसी थी, लेकिन फिर भी राजीव गांधी फिजी में हो रहे अत्याचारों के बारे में राबुका की सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। लेकिन उनके स्टेटमेंट के दो दिन बाद ही फिजी की बवादरा सरकार के संचालक टिमोकी बवादरा की 55 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी।
जिसके चलते फिजी में लोकतंत्र वापस लाने के लिए जनता ने अपनी आवाज और बढ़ा दी थी। ये सब देखते हुए बैंड ऑफ थ्री ने अपने मिशन को नए जोश के साथ आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी टीम में रबुका की सरकार के दो नए ऑफिसर को रिक्रूट किया, जिनकी मदद से 1990 की शुरुआत तक फिजी में रह रहे भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों में कमी आ गई थी। लेकिन उनके नए रिक्रूट का कहना था कि वो संविधान के ड्राफ्ट में कुछ बदलाव नहीं ला सकते थे। उनका कहना था कि संविधान का ड्राफ्ट सिर्फ रबुका की मर्जी से ही बदल सकता था। ये कार्य रबुका बिल्कुल नहीं कर सकता था, क्योंकि रबुका के ऊपर बोस लेवी वकाट उरागा नामक कम्युनिटी लीडर्स का दबाव था, जो फिजी के लोगों को सारे अधिकार देना चाहते थे और भारतीय मूल के लोगों को देश से बाहर निकालना चाहते थे। इसका जवाब देने के लिए फिजी में रह रहे भारतीय नेता कोड नेम लक्ष्मण प्रसाद को रॉ ने फिजी में रबुका की सरकार को अस्थिर करने के लिए ऊंची रकम दी थी। साथ ही ऑस्ट्रेलियन नेताओं से समर्थन लेने के लिए भी रॉ ने प्रसाद को पैसे दिए थे। लेकिन रबुका की सरकार भी कम तेज नहीं थी। उन लोगों ने अप्रैल 1990 में संविधान में बदलाव लाने का निर्णय ले लिया था, जिसके चलते भारतीयों को वो बाहरी घोषित कर देंगे, जिस कारण बैंड ऑफ थ्री के लिए आने वाले दो महीने बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले थे। लेकिन फिर भी ये बैंड इस संविधान को आने से रोक पाने में असफल रहा था। साथ ही भारत का इस मुहिम में कोई और देश समर्थन भी नहीं कर रहा था, जिसके चलते रॉ चीफ वर्मा ने पूरे बैंड को भारत वापस बुलाया और उनसे गुस्से में पूछा कि आखिर ये सब कैसे हुआ। जिसके बाद बैंड ने माना कि ये प्लान बर्बाद हो गया, लेकिन उन्होंने ये भी समझने का प्रयास किया कि अब भी वो लोग फिजी के खिलाफ ये जंग जीत सकते थे। जिस बात पर रॉ के चीफ वर्मा ने सहमति दिखाई और उनको मिशन आगे बढ़ाने की सहमति दे दी थी, इसके कुछ दिन बाद कैलाश सिंह ने एक प्लान बनाया। अक्टूबर 1990 में वो एडिलेड गए। तब उन्होंने बेंजामिन टेलर से बात की और उनको फिजी में एक गलत जानकारी फैलाने का कार्य सौंपा, जिसके चलते रबुका को सबको ये एहसास दिलाना था कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। इसी के साथ बैंड की इंडियन एसेट अधि बवादरा, जो तिमोकी बवादरा की विधवा थी, उनको भी जोड़ने का प्लान बनाया गया था, जिसके चलते उन्हें फिजी लेबर पार्टी का हेड बना दिया गया था। ये कार्य होते ही पूरे बैंड ऑफ थ्री को भारत वापस बुला लिया गया था। भारत में पूरे बैंड को डेस्क जॉब पर रखा गया था, जिससे उन पर कोई शक ना कर पाए। इस बीच रबुका लोकतंत्र की तरफ 1991 में बढ़ने लगे थे। उन्होंने एक नई पॉलिटिकल पार्टी सोको सुकुनी वाका वुलेवानी तौकी पार्टी का संचालन करने और सन 1992 में इलेक्शन कराने का निर्णय लिया था। लेकिन इलेक्शन में धोखाधड़ी करने के बावजूद भी उनकी सरकार हार गई थी। उन्होंने फिर हर सरकार से अपने लिए समर्थन मांगना शुरू कर दिया था, जिसका फायदा उठाते हुए भारत सरकार ने अपने एसेट को कार्य पर लगा दिया था। एफएलपी पार्टी ने ये साफ कर दिया था कि वो रबुका की सहायता तभी करेंगे जब वो भारतीयों के लिए संविधान में बदलाव लाएंगे। अब मरता क्या ना करता, रबुका को इस मांग को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद बैंड ऑफ थ्री का ऑपरेशन ऑटो मोड में चलने लग गया था। फिजी में हर एसेट अपने काम में लगा हुआ था। साथ ही 1999 तक रबुका का पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया, जब एक इंडियन एसेट ने फिजी की सरकार में ऊंचा पद ग्रहण कर लिया था। इसी कारण आज भी फिजी में ज्यादातर ऊंचे पद भारतीय फिजियों के पास ही हैं। ये सब करने का श्रेय द बैंड ऑफ थ्री को ही जाता है। इन तीनों ने अपनी जिंदगी के इतने साल फिजी में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के लिए कुर्बान कर दिए थे। देखा जाए तो हमें इन लोगों को नेशनल हीरो घोषित कर देना चाहिए, लेकिन रॉ के सारे जाबाजों की जिंदगी गुमनामी में ही चली जाती है। और इन तीनों का भी यही कहना था कि वो लोग भारत सरकार के लिए गुमनामी में बिना किसी मान्यता के काम करने के लिए तैयार थे। इस मिशन के लिए 1992 के दिसंबर में सिडनी में एक सीक्रेट सेरेमनी में, जहां सारे रॉ एजेंट मौजूद थे, उन्हें उनके कार्य के लिए मेडल से नवाजा गया था। तो यही कहानी है जनाब, रॉ के तीन ऐसे जाबाज एजेंट की जिन्होंने सब कुछ न्योछावर कर दिया रॉ के लिए। अब फिजी की कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। हम लोग फिर मिलेंगे एक और रोमांच भरी रॉ की अनकही कहानी के साथ अगले एपिसोड में। एक शूरवीर और सरदार वॉरलॉर्ड। पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे फिजी में रॉ के द्वारा कोवर्ट ऑपरेशन की बदौलत आज की तारीख में
फिजी के अंदर रह रहे भारतीयों के साथ अन्याय या भेदभाव नहीं होता है। इस भाग में हम जानेंगे कि अफगानिस्तान में हुए तख्त बदल के बाद रॉ के एजेंट ने स्थिति को अपने काबू में कैसे लिया था। इस मिशन में रॉ के एजेंट अशफाक खान के ऊपर प्रसिद्ध वॉर लॉर्ड मिर्जा मुराद रुस्तम का हाथ भी था। मिर्जा को रॉ में 1979 में रिक्रूट किया था, लेकिन दिक्कतें तब शुरू हुई जब मिर्जा को माजर ए शरीफ को छोड़कर भागना पड़ा था। मिर्जा के ऊपर दगाबाजी का इल्जाम लगाया गया था। ये इल्जाम उनके ऊपर अब्दुल मलिक पहलवान ने लगाया था। इस इल्जाम का कारण आपसी रंजिश थी। मिर्जा किसी तरह अपनी जान बचाकर तालिबानियों से 25 मई 1997 में भागने में सफल हुए थे। ये खबर भारत पहुंचते ही रॉ के एजेंट अशफाक खान को मिर्जा को ढूंढने के लिए रवाना किया गया। आखिरी बार अशफाक मिर्जा से 1996 में मिले थे। ये वो समय था जब काबुल तालिबान के सामने झुक गया था। उस समय भी उनका कार्य मिर्जा की मदद करना था। इस बार भी वो उनको ढूंढने में लग गए थे। उनकी खोज में उन्हें पता चला कि मिर्जा इस्तांबुल में एक 5 सितारा होटल में रह रहे थे। ये पता चलते ही वो उनसे मिलने के लिए उस होटल तक पहुंच गए थे। वो रूम 209 में रुके हुए थे। साथ में उनकी सेना भी पूरे होटल में तैनात थी। इस मीटिंग में उन दोनों ने तालिबान के बढ़ते प्रकोप के साथ पाकिस्तान को उनको समर्थन देने पर बातचीत की थी। इस मीटिंग के बाद उनके साथ रेड्डी की बात याद आ गई थी। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। साथ ही वॉर लॉर्ड से कुछ नहीं छुपता था। इसके बावजूद रॉ ने सोवियत इन्वेजन के बीच 2 लोग रिक्रूट किए थे। उसमें पहले तो मिर्जा थे, जो एक वॉर लॉर्ड थे और जो मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ाई करते थे। दूसरे अहमद शाह मसूद थे, जो बुरहानुद्दीन रब्बानी और जमात इस्लामी के सबसे भरोसे वाले व्यक्ति थे। मसूदी इकलौते वॉरियर अफगानिस्तान में बचे थे, बाकी सब तो वहां वॉर लॉर्ड थे। जब अफगानिस्तान USSR के संचालन में था, तब CIA और ISI तो वहां मौजूद ही थे। साथ ही वहां रॉ के एजेंट भी मौजूद थे, जो भारत को किसी स्थिति उत्पन्न होने पर चेतावनी देने के लिए रखे गए थे। इस बीच USA पाकिस्तान को पैसे बांट रहा था, जिसका इस्तेमाल कर पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। इस कारण रॉ एजेंसी ने अपने 2 मुद्दे बना लिए थे। पहला कि अफगानिस्तान में उन्हें और लोग चाहिए होंगे। दूसरा, उन्हें उस देश के हर ताकतवर गुट में अपने लोगों को लगाना होगा। इस काम को करने के लिए रॉ ने 3 एजेंट्स को ये काम सौंपा, जिनमें कोडनेम एस रेड्डी, वेद अस्थाना और अशफाक खान थे। इन सब के बीच एक गढ़ा मुद्दा भी सामने आ गया था। ये मुद्दा पख्तूनिस्तान से संबंधित था। इस मुद्दे पर 1948 से कोई दिक्कत या बात नहीं हुई थी। पाकिस्तान ने 1972 में अफगानिस्तान से दरख्वास्त की कि वो पख्तूनिस्तान के मामले को हवा ना दें। ये वही समय था जब ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करके बांग्लादेश में तब्दील किया गया था, जिसके चलते पाकिस्तान ये चाहता था कि उसके और टुकड़े ना हो। इसका ईरान और USA दोनों ने समर्थन किया था, लेकिन इसके बावजूद सन 1973 में अफगानिस्तान में बनी नई रिपब्लिकन सरकार ने पख्तूनिस्तान के मुद्दे में खास दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। अफगान ये जानते थे कि अगर पख्तूनिस्तान उनके कब्जे में आ गया तो वो पाकिस्तान पर सफर या नदी के लिए पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहेंगे। इस नई दिलचस्पी को भारत सरकार ने और बढ़ावा दिया, लेकिन भारत सरकार जानती थी कि अफगानिस्तान की आर्मी अभी इतनी ताकतवर नहीं थी कि वो किसी देश के हिस्से को आजाद करवा पाए। इस बीच सन 1979 में NF संतूक ने ऑपरेशन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया था, जिसके चलते इंडियन स्पाइस ने अफगानिस्तान में रह रहे वॉर लॉर्ड से अच्छी दोस्ती कर ली थी। इस बीच अफगानिस्तान में एक US एम्बेसडर को मार दिया गया था, जिस कारण USA ने अफगानिस्तान में मदद के लिए भेजे जा रहे पैसे में 85% कटौती कर दी थी। तराकी की सरकार भी इस बीच तेजी से काम पर लगी हुई थी। इस वजह से अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी बदल रही थी। साथ ही वो बहुत से लोग जो उनके खिलाफ थे, उनको गिरफ्तार भी करवा रहे थे। लेकिन उनके खिलाफ खड़ी पार्टी PDPA, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान के 2 हिस्से हो गए थे, एक खलाक और एक परचम। दोनों ही गुट एक दूसरे से बराबर नफरत करते थे। तराकी खलाक का संचालन करते थे और बबराक करमल परचम का संचालन करते थे। तराकी की सरकार इस बीच कमजोर होती जा रही थी। हेरत नाम के एक शहर में 15 मार्च 1979 में लोगों ने एक बड़ा मोर्चा निकाला था।
और शहर को अपने कब्जे में कर लिया था, जिसको सोवियत की मदद से तराकी ने वापस अपने नियंत्रण 5 दिन में किया था। इसके बाद सरकार को ऊपरी तबके में बहुत बदलाव लाने पड़े थे। इस कारण एक नई होमलैंड हाई डिफेंस काउंसिल का इजाद किया था, जिसका काम सरकार के अंदर नियंत्रण रखना था। ये सारे बदलाव तराकी ने सोवियत के कहने पर किए थे। रेड्डी ने बताया कि यही समय था जब पख्तून, जो पाकिस्तान में थे, वो तराकी से नाखुश थे, जिसका कारण था कि उनको तराकी की सरकार से समर्थन नहीं मिल रहा था, और दूसरी तरफ उनके ट्राइबल लीडर्स को अफगानी नेता खत्म कर रहे थे, जिस कारण उनको बलूचिस्तान भागना पड़ रहा था। इस दिक्कत का पाकिस्तान ने फायदा उठाने का निश्चय लिया था, जिसके अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट तराकी ने विरोध भी किया था। इसी दौरान जून सन 1979 में अफगानिस्तान और सोवियत के रिश्ते और मजबूत हो गए थे। सोवियत टेलीफोन और टेलीग्राफ लिंक के साथ अफगानिस्तान के बॉर्डर से सोवियत के बॉर्डर तक एक पाइपलाइन भी बनाने का निर्णय लिया था। इसी बीच भारत के प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह सोवियत के प्रेसिडेंट लियोनिड ब्रेजनेव से मिलने मॉस्को गए थे। इस मीटिंग में ब्रेजनेव ने यह साफ कर दिया था कि सोवियत अफगानिस्तान को छोड़कर नहीं जाएगा, साथ ही उनको पाकिस्तान की अफगानिस्तान के मामले में दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। ये सुनकर रॉ को ये पता चल गया था कि सोवियत कुछ बड़ा सोच रही थी। तराकी को आगे करके सोवियत ने अपने सारे दुश्मन रास्ते से हटा दिए थे। पाकिस्तान और यूएसए दोनों को तराकी ने निशस्त्र कर दिया था। इसके बाद सोवियत यूनियन ने तराकी को 13 सितंबर सन 1979 में उनके प्रेसिडेंशियल पैलेस में गिरफ्तार कर लिया था। इसके 3 दिन बाद ही शाह वली ने यह घोषणा की तराकी अपने बुरे स्वास्थ्य के कारण अपना पद छोड़ना चाहते थे, जिसके तुरंत बाद हाफिजुल्ला अमीन को नया प्रेसिडेंट बना दिया गया था, जिन्होंने आते ही अजगा पार्टी को समाप्त कर दिया और एक नई यूनिट करगारी अस्तेक भारती मुआसेसा या कैम का इजाद करा था। लेकिन रॉ को यह खबर लग गई थी कि तराकी को गुप्त तरीके से मार दिया गया था। तराकी की मौत अफगानिस्तान का चैन खत्म करने की तरफ पहला कदम साबित होगा। अमीन का मानना था कि वो नई सरकार संभाल लेंगे और सोवियत भी उनका समर्थन करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सोवियत अमीन से नाखुश थे, जिस कारण उन्होंने 27 दिसंबर को हफीजुल्ला अमीन और उनके कुछ परिवार के लोगों को मार दिया था, जिसके बाद बबराक कमाल, जो परचम के संचालक थे, उनको देश का प्रेसिडेंट बना दिया गया था। प्रेसिडेंट कमाल ने बाद में जाकर एक राज से पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि अमीन अफगानिस्तान में शरिया लॉ लाना चाहते थे। इस बीच पाकिस्तान के डिक्टेटर जियाउल हक और यूएसए के बीच जमने लगी थी, जिस कारण उन्होंने अफगान मुजाहिदीन को आर्म्स देने का निर्णय लिया था। इस डील में यूएसए प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन का भी बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने ही $2.6 बिलियन के हथियार अफगानिस्तानी मुजाहिदीन को देने के लिए तैयार हुए थे। लेकिन इन सब के बावजूद सोवियत की आर्मी को अफगानिस्तान से हिलाना नामुमकिन साबित हो रहा था। लेकिन असली दिक्कत ये थी कि अफगानिस्तान के अंदर ये गुट अपने आप में ही इतने बिखरे हुए थे कि वो कभी साथ जुट के लड़ाई करने के काबिल नहीं थे। इसी बीच सऊदी भी पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान को हथियार देने में कामयाब हो रहा था। इन सबको देखते हुए रॉ इस घबराहट में था कि सब कुछ नियंत्रण से बहुत तेजी से दूर जाने वाला था। ये घबराहट सच भी साबित होने लगी थी। अब अमेरिका की मदद से अफगान के विद्रोही सोवियत पर भारी पड़ने लगे थे। इस बीच भारत में राजीव गांधी को यह शक हो गया था कि केजीबी के लोगों ने भारत सरकार में ट्रोजन हॉर्स डाल दिया था, जिसके सफाया करने का काम उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो को सौंपा था। साथ ही वो भारत और यूएसए के रिश्ते भी सुधार रहे थे। राजीव गांधी ये मान चुके थे कि भारत अफगानिस्तान की लड़ाई में कुछ खास नहीं कर सकता, और वो चाहते थे इस लड़ाई के चक्कर में भारत के रिश्ते सोवियत और यूएसए से और खराब ना हो। पर वो ये भी नहीं चाहते थे कि इस्लामाबाद का प्रभाव अफगानिस्तान में बढ़े, जिसका कारण था कि भारतीय मुस्लिम के ऊपर भी उन लोगों का प्रभाव आ जाएगा। लेकिन रॉ इस चीज से सहमत नहीं था। उनका कहना था कि उनका सबसे बड़ा डर लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल थे, जो भारत के खिलाफ कोई डिप्लोमेटिक इशू उठाने की फिराक में बैठे थे। उन्होंने आईएसआई का सारा नियंत्रण ले लिया था, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने सारे विद्रोहियों को एक साथ जोड़ा।
इस बीच 1988 में सोवियत जेनेवा एकॉर्ड के अंतर्गत अफगानिस्तान छोड़ के जा रहा था, लेकिन जंग तो अभी खत्म किया अभी शुरू भी नहीं हुई थी। जैसे ही सोवियत संघ पूरी तरह से अफगानिस्तान से गई, वैसे ही 1989 में बेनजीर भुट्टो ने गुल के कहने पर जलालाबाद को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद भुट्टो ने गुल को ISI के संचालक के पद से हटा दिया, जिससे वो ये दिखा सके कि सब उनका किया धरा था। उनकी जगह उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल शमसूर रहमान कल्लुए को ISI चीफ का पद दिया था। इस बीच रॉ के एजेंट वेद अस्थाना की मुलाकात मसूद से हुई थी। ये वो समय था जब बेनजीर भुट्टो की सरकार पाकिस्तान में गिर गई थी। साथ ही रॉ को ये खबर भी आ गई थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर लड़ाई चल रही थी, जिस कारण नजीबुल्ला की सरकार अफगानिस्तान में पैर नहीं जमा पा रही थी। नजीबुल्ला की सरकार के खिलाफ बहुत से विद्रोही भी खड़े थे, जो उनके कार्य को और मुश्किल बना रहे थे, जिसके चलते उन्होंने पुराने कमांडर के साथ हाथ मिला लिया था। फिर मसूद की सेना और गुलबुद्दीन हेकमतियार की सेना हिजबे इस्लामी के बीच भीषण जंग हुई थी, जिसमें मसूद ने मिर्जा के साथ हाथ मिलाया था। साथ में उन दोनों ने जुनबिश ए मिली नामक सेना का इजाद किया था। अस्थाना का कहना था कि मसूद एक सच्चे फौजी थे। वो पहले डिफेंस मिनिस्टर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन जब रॉ ने उनको समझाया तब वो अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर बनने को तैयार हो गए थे। इससे रॉ की पकड़ अफगानिस्तान में बन गई थी। मसूद की सरकार का सबसे बड़ा दुश्मन हिजबे इस्लामी था। इन लोगों ने 1992 से 1996 में कम से कम हजारों की संख्या में आम जनता को मार दिया था। इसके बाद तालिबानियों ने ISI के समर्थन के साथ सन 1995 में कंधार, हेलमंद और वारदाक का नियंत्रण ले लिया था। साथ ही शरिया कानून भी लागू कर दिया था। फिर 1996 में जलालाबाद को भी नियंत्रण में लेने के साथ ही काबुल में भी घुस गए थे। काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद रॉ के तीनों एजेंट्स अहमद शाह मसूद, अब्दुल जलील और मिर्जा मुराद रुस्तम ने हाथ मिला लिया था। साथ में उन लोगों ने तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। अब्दुल जलील ने एक बार अस्थाना से साफ शब्दों में कहा था कि अगर भारत उनका समर्थन करता है, जैसे पाकिस्तान अपोजिशन का कर रहा है, तो वो लोग पाकिस्तान पर भी कब्जा जमा लेंगे। इस मांग को अशफाक ने मना कर दिया था। इसके साथ ही नजीबुल्ला को तालिबानियों ने बेरहमी से मार दिया था, जिस कारण इंडिया का डिप्लोमेटिक मिशन काबुल में 27 सितंबर 1996 में बंद करा दिया गया था। अब वापस हम लोग वर्तमान 1997 में आते हैं, जहां अशफाक मिर्जा से इस्तांबुल में मिले थे, जिससे उनको पाकिस्तान के नापाक इरादे का पता चला था। पाकिस्तान अफगानिस्तान में और बेचैनी और आतंकवाद फैलाना चाहता था। मिर्जा ने फिर कुछ समय बाद अपने रिश्तेदार के लिए टर्किश सिटीजनशिप की मांग की थी, जिसको अशफाक ने पूरा किया था। उपहार स्वरूप मिर्जा ने उन्हें 1998 में उज़्बेक इंटेलिजेंस, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर काम कर रही थी, उनसे जोड़ दिया था। इससे रॉ अब खेल में वापस आ गई थी। इसी बीच 1999 में एक एयर इंडिया के प्लेन को हाईजैक करके अफगानिस्तान ले जाया गया था। इस वजह से भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को तालिबान की सरकार को थोड़ा समर्थन करना पड़ा था। इसका बदला रॉ ने 2000 से लेना शुरू कर दिया था। इसमें रॉ की सहायता अफगानिस्तान में नए रिक्रूट ने की थी। साथ में मिलकर उन लोगों ने तालिबान के सारे मजबूत इलाकों को तबाह कर दिया था। लेकिन 2001 में रॉ के सबसे महत्वपूर्ण एसेट को ओसामा बिन लादेन के साथियों ने मार दिया था। उसके दो दिन बाद ही ओसामा ने USA के खिलाफ भी जंग छेड़ दी थी। ट्विन टावर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उन्होंने अपने आतंकवादियों की मदद से तबाह कर दिया था, जिसके बाद CIA ने रॉ से मदद की मांग की थी। लेकिन जब रॉ ने कहा कि असली आतंकवादियों का अड्डा अफगानिस्तान नहीं पाकिस्तान है, तब CIA ये मानने को तैयार नहीं हुई थी। ये USA की सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन इस हमले के बाद पूरी दुनिया बदल गई थी। सब अब अपनी सिक्योरिटी बढ़ा रहे थे। पाकिस्तान और ISI USA के साथ होने का ढोंग कर रहे थे। लेकिन रॉ इतना जानता था कि चाहे अफगानिस्तान में कोई भी सरकार क्यों ना आए, रॉ की पकड़ वहां हमेशा मजबूत रहेगी। श्रीलंका का मामला। पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे रॉ एजेंसी ने अपना दबदबा अफगानिस्तान में बनाए रखा। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे रॉ ने श्रीलंका में हो रहे मतभेद को नियंत्रण में लिया था। दिसंबर 2005 में अविनाश सिन्हा नामक रॉ ऑपरेटिव श्रीलंका में कोलंबो फोर्ट कैफे ब्रेकफास्ट करने गए थे,
वहां उनसे मिलने एक 50 वर्षीय व्यक्ति कोसाला आए थे। अविनाश ने ही कोसाला को रॉ में 3 साल पहले रिक्रूट किया था। इस समय श्रीलंका की सरकार शांति बनाने के लिए लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम यानी LTTE से वार्तालाप कर रही थी। LTTE एक गुरिला समूह था जो श्रीलंका में एक स्वतंत्र तमिल शहर के लिए कुछ 25 साल से लड़ाई कर रही थी, लेकिन 2002 में दोनों तरफ ने सीज फायर का ऐलान कर दिया था, जिसका कारण अंतर्राष्ट्रीय दबाव और डिप्लोमेटिक चाल थी। इस विद्रोही संगठन को 1976 में विल्लू पिल्लाई प्रभाकर ने बनाया था। इनको रॉ ने उत्तर प्रदेश के एक गुप्त स्थान में ट्रेनिंग भी दी थी, लेकिन जब 2002 तक प्रभाकर का दबाव कम होने लगा था और कोसला रॉ एजेंसी के खास हो गए थे, तब शांति वार्तालाप से प्रभाकर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। कोसला ने अविनाश को बताया कि प्रभाकर शांत नहीं बैठेंगे और LTTE संगठन फिर से जल्द उठेगी। अविनाश का 2005 में श्रीलंका वापस आने का कारण यही था। कोसला की कही हुई बात सच होने वाली थी। कोसला के कहे अनुसार अप्रैल 2006 में एक सुसाइड अटैक किया गया था, जिसमें आर्मी चीफ बुरी तरह घायल हो गए थे। LTTE का कहना था कि इसमें उनका हाथ नहीं था, लेकिन राजापक्षा ने उनकी एक ना सुनी और सारे इल्जाम LTTE पर डाल दिए थे, जिसके चलते उन्होंने LTTE के मजबूत क्षेत्र पर हमला करना शुरू कर दिया था। ये हमले 2 दिन तक लगातार चले थे, लेकिन लड़ाई तो बस शुरू हुई थी। इसका बदला LTTE ने श्रीलंका की नेवी से 2006 में लिया था, जिस कारण कोसला ने यूरोपियन यूनियन से बात करके LTTE को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। फलस्वरूप LTTE के सारे फॉरेन एसेट्स पर रोक लगा दी गई थी, जिसके साथ ये भी कह दिया गया था कि एक आतंकवादी संगठन तमिल के लोगों के लिए नहीं खड़ा हो सकता। रॉ को अब श्रीलंका में रह रहे तमिल लोगों के लिए चिंता होने लगी थी। रॉ के एजेंट्स ने उस समय के रॉ चीफ PKS ठाकरन को पूरी स्थिति बताई और ये भी बताया कि कुल 160,000 तमिल श्रीलंका की लड़ाई में फंसे हुए थे, जिस कारण रॉ ने सारे तमिल वासियों को भारत लाने का निर्णय लिया था। लेकिन वहां पर रह रहे तमिल वासी श्रीलंका में अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहते थे, जिसके लिए भारत सरकार भी कुछ नहीं कह सकती थी। इस बीच भारत सरकार ने श्रीलंका की आर्मी की सहायता करने का निर्णय लिया था। LTTE को अब भारत समर्थन नहीं दे रहा था। इसका कारण अंतर्राष्ट्रीय दबाव और LTTE के द्वारा की गई सुसाइड बॉम्बिंग थी। अविनाश ने यह भी बताया कि श्रीलंका ने मई 2009 में LTTE के खिलाफ जीत हासिल की थी। इस जीत के पीछे रॉ का बहुत बड़ा हाथ था। रॉ ने ही श्रीलंकन आर्मी को LTTE के हर फॉर्मेशन और हर कैंप की जानकारी सैटेलाइट इमेज के द्वारा दी थी, लेकिन इस स्थिति के कारण भारत की पकड़ श्रीलंका से छूटती जा रही थी। गोतबाया राजपक्सा ने फिर एक चौंकाने वाली खबर दी थी। खबर ये थी कि LTTE ने एरिटेरिया में एक बड़ा बेस तैयार कर लिया था, जिसमें उन्होंने भारतीयों, फिलीपींस, थाईलैंड और मलेशिया के लोगों की सहायता ली। उन्होंने ये भी बताया कि श्रीलंका के कुछ डिप्लोमेट्स ने LTTE को रॉ और श्रीलंका की सरकार के बीच गठबंधन की खबर दे दी थी, जिससे ये नजर आने लगा था कि श्रीलंका और भारत के रिश्ते फिर से मजबूत होने लगे थे। रॉ एजेंट अरोरा का मानना था कि UPA सरकार ने राजपक्सा के ऊपर जितना खर्च किया उतना राजपक्सा की तरफ से कुछ नहीं किया था। सिविल वॉर के बाद भारत की पकड़ भी कमजोर हो गई थी, खासकर जब इंडियन एम्बेसी का एक उच्च पद का व्यक्ति सारी जानकारी लीक कर रहा था। उनको KC वर्मा, जो एक रॉ के स्पाई थे, उनके विरोध पर ही हटाया गया था। उनसे पहले काम कर रहे अशोक चतुर्वेदी को श्रीलंका से मतलब नहीं था, लेकिन वर्मा श्रीलंका को रॉ के नियंत्रण में ही रखना चाहते थे। इस समय 2010 में चीन श्रीलंका में अपनी पकड़ मजबूत करने लगा था। चीन ने श्रीलंका में ब्रिज बनाने का ऐलान किया। जब रॉ ऑफिसर्स ने इस बारे में श्रीलंका में काम कर रहे फॉरेन ऑफिसर से विरोध किया, तब उन्होंने रॉ के एजेंट से कहा कि चीन को सड़क बनाने दीजिए, भारत इस पर अपनी ही बस चलाएगा। ये सुनकर रॉ ने इस ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेंट की, जिसके चलते इनका तबादला तुरंत नई दिल्ली में कर दिया गया था। इस ऑफिसर का कोडनेम PAS था। ये स्कॉच और बड़ी पार्टी के दीवाने थे, जिस कारण ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। इनके बाद भारत से फॉरेन मिनिस्टर SM कृष्णा को श्रीलंका से रिश्ते मजबूत करने के लिए भेजा गया था। साथ ही उन्होंने श्रीलंका में और चीजें बनाने का वादा किया, जिससे चीन का दबाव वहां पर कम हो जाए। लेकिन भारत तब तक देर कर चुका था। चीन ने पहले ही बहुत सी चीजें वहां बनानी शुरू कर दी थीं। लेकिन LTTE 2.0 का डर भारत को अभी भी सता रहा था।
जिस कारण रॉ एजेंट कोड नेम अजीत शाह को 2015 में कंबोडिया भेजा गया था। वहां उन्होंने रॉ को बताया कि बचे हुए कुछ LTTE के सेनानी और एजेंट अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे थे। अब उन सब में इतना जज्बा या ताकत नहीं थी कि वो श्रीलंका में जाकर अपना दबाव बनाने में कामयाब हो पाएं। उनकी जगह TGTE जो 2009 में हुए सिविल वॉर के खिलाफ आवाज उठा रही थी, वो चाहते थे कि राजपक्सा की सरकार के खिलाफ कड़े कार्य किए जाएं। इस पार्टी के संचालक विसु वनंथन रुद्रकर्मन थे। वो एक न्यूयॉर्क लॉयर थे। वो चाहते थे कि इस मामले को लड़ाई के बिना शांति और बातचीत से सुलझाया जाए, साथ ही मुजरिमों को बराबर सजा भी दी जाए। लेकिन इन सबसे ये साफ था कि ये लोग कभी भी श्रीलंका के ऊपर कब्जा नहीं कर पाएंगे। इस भाग में हमने जाना कि कैसे कुछ लोगों की गद्दारी के कारण भारत और श्रीलंका के बीच चीन घुस गया और कैसे एक विद्रोही संगठन को रॉ की मदद से खत्म कर दिया गया। अगले भाग में हम वॉशिंगटन में हुए मिशन की बात करेंगे। वॉशिंगटन में छद्म युद्ध। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे रॉ एजेंट्स ने यूएसए में एक दिलदेर मिशन को अंजाम दिया था। दिनेश माथुर नामक रॉ के एक वरिष्ठ एजेंट थे। उनकी उम्र 38 साल थी। उन्होंने रॉ के लिए विदेशों में अनेक मिशन किए थे। वो 1988 में एक मेथोडिस्ट चर्च वेजली हाइट्स सरताज सिंह से मिलने गए थे। वो बहुत उत्साहित थे क्योंकि अब उनका यूएसए के अंदर सबसे बड़ा मिशन शुरू होने जा रहा था। वो एक दिलेर एजेंट की तरीके से रॉ एजेंसी में मशहूर थे। उनका वॉशिंगटन में पहला कार्य 1970 में जगजीत सिंह चौहान को ढूंढने का था, जो पंजाब के एक बड़े नेता थे और खालिस्तान बनाने के लिए सबसे पहले आगे आए थे। बहुत चेतावनी के बावजूद वो 59 वर्षीय चौहान साहब से मिलने गए थे। साथ ही माथुर जी ने चौहान साहब को खालिस्तान के लिए लड़ाई त्यागने की दरख्वास्त की थी, लेकिन चौहान ने इस दरख्वास्त को नकारते हुए उन्हें बताया कि उनके साथ पूरी सिख संप्रदाय का समर्थन है, साथ ही यूएस, यूके और कनाडा का समर्थन भी है। साथ ही उन्हें ये धमकी भी दी कि अगर भारत या कोई उनके रास्ते में आया तो 1976 में जिस प्रकार से पुलिस डायरेक्टर जनरल जूलिया रिबेरो का एसेसिनेशन करवाया था, वैसे ही वो पूरे भारत में करवा देंगे। ये सब सुनने के बाद भी माथुर साहब ने चौहान साहब को समझाने की कोशिश की कि चीजें अब बदल रही हैं और उन्हें शांति को भी मौका देना चाहिए, लेकिन चौहान ने यह सुनते ही मीटिंग रोक दी थी। लेकिन इस मीटिंग से माथुर ये समझ गए थे कि चौहान भी एक कमजोर व्यक्ति थे, क्योंकि वो भारत सरकार के डर से ही वॉशिंगटन से कार्य कर रहे थे। इसलिए उन्होंने उनका नंबर अपने पास ले लिया था, जिससे वो खालिस्तान मूवमेंट को रोक पाए। रॉ का एब्रॉड में कार्य ही प्रो खालिस्तान मूवमेंट को रोकना था। इसके बाद चौहान से दिनेश की मुलाकात एक बार फिर से एक महीने बाद हुई थी, जिसमें चौहान ने दिनेश को बताया कि खालिस्तानी भारत में हमले करने जा रहे थे। इस खबर को दिनेश ने भारत में बताया, जिस कारण दिल्ली पर हमला करने वालों को हमले के पहले पकड़ लिया गया था। इसके बाद तीसरी मीटिंग में चौहान की जगह उनके खास सलाहकार सुच्चा सिंह दिनेश से मिलने आए थे। सुच्चा को दिनेश का अंदाज पसंद आया था। सुच्चा चौहान का कार्य छोड़ना चाहते थे, साथ ही वो रॉ के लिए काम करना चाहते थे। ये सुनकर दिनेश खुश हो गए थे, लेकिन उनके दिमाग में ये शक भी था, क्या सुच्चा रॉ के लिए वफादार रहेंगे? लेकिन सुच्चा ने दिनेश साहब को ये आश्वासन दिलाया कि वो ये कदम सोच समझ कर ले रहे थे और रॉ के काम आना चाहते थे। इसके दो दिन बाद अपनी वफादारी दिखाने के लिए सुच्चा ने माथुर साहब को खालिस्तान के हर मेंबर का नाम सौंप दिया, जो उस महीने भारत जा रहा था। इसके अलावा आने वाले कुछ महीनों में सुच्चा ने केवल लोगों के नाम ही नहीं बताए, उन्होंने खालिस्तान ग्रुप के पीछे किसका हाथ था और कहां से पैसे आ रहे थे सब बता दिया था। खालिस्तान का जटिल नेटवर्क 1966 में ही शुरू हो गया था। वर्तमान में इसकी देखभाल पाकिस्तान की ISI कर रही थी, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल गुल माथुर का भी हाथ था। इस बीच 1987 में भारत में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी भारत में स्थिति सुधारना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने वहां के यूथ को टारगेट करना शुरू किया था। लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसको रॉ अंजाम दे रही थी, उस पर सिख नाराज थे और बदला चाहते थे। CIA ने भी राजीव गांधी को निर्देश दिए थे कि वो पंजाब की स्थिति को सुधारने का प्रयास करें। तो यही सब देखते हुए उन्होंने 3 मार्च 1987 में एक मीटिंग रखवाई थी, जिसमें ये तय हुआ कि मिनिस्ट्री में जब तक और सिख नहीं आएंगे, तब तक पंजाब में कुछ बदल नहीं पाएगा।
इसके लिए सरकार ने पंजाब में नेशनल इंटीग्रेशनल कैंप लगाए थे, जिसका मकसद पंजाब की जनता में सरकार के खिलाफ फैली गलतफहमी दूर करना था। ये कार्य मार्गरेट अल्वा, जो स्पोर्ट्स और यूथ मिनिस्टर भी थे, उन्हें दिया गया। साथ ही पंजाब के एक ऑफिसर को इस कार्य का संचालन सौंपा गया था, जिससे सरकार की छवि सुधर पाए। लेकिन इस बीच रॉ के एजेंट मोहन कृष्णा अपने मिशन में एक बड़ी कश्मकश में फंस गए थे। रॉ के दो सीक्रेट एजेंट का कवर हट गया था, एक ऑफिसर जिसका कोड नेम SKS था और दूसरा जिसका कोड नेम कालोनेल था। ये दोनों ही सिख संगठन, एक सिख यूथ फेडरेशन और दूसरा बब्बर खालसा के अंदर छुपकर कार्य कर रहे थे। लेकिन ये खबर जैसे ही सामने आई, वैसे ही रॉ को अपना मिशन बीच में ही छोड़ना पड़ा और अपने बहुत से इन्फॉर्मर को बीच फील्ड में ही छोड़ना पड़ा, जिस कारण आज की तारीख में भी IB और रॉ की नहीं जमती है। साथ ही कैनेडियन इंटेलिजेंस सर्विस या CSIS से भी रॉ के रिश्ते हमेशा के लिए बर्बाद हो गए थे। इसके बावजूद कृष्णा के पास एक तुरुप का पत्ता बाकी था, वो था तरविंदर सिंह। तरविंदर सिंह लुधियाना से एक बड़े घर का लड़का था, जो वैंकूवर पढ़ने आए थे, लेकिन सेपरेटिस्ट ग्रुप के साथ जुड़ गए थे। लेकिन जब उन्होंने बब्बर खालसा द्वारा कराई गई गुरदासपुर पटियाला में बॉम्बिंग के बारे में सुना, तो वो घबरा गए और उन्होंने रॉ की मदद करने का फैसला लिया। उन्होंने एक महीने के अंदर ही कृष्णा को इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के हर व्यक्ति की पूरी जानकारी दे दी थी। साथ ही उन्होंने 3 बड़े हमले होने से पहले ही जानकारी दे दी थी, जिससे भारत को बहुत सहायता मिली थी। कृष्णा को अब इसके बाद अपनी टीम वैंकूवर और ओटावा में फैलाने की इजाजत भी मिल गई थी। इसके बाद 1988 माथुर को चतार ने चेतावनी दी कि खालिस्तान रुकेगा नहीं और अगला हमला दिल्ली के कनॉट प्लेस पर करेगा। लेकिन जब खालिस्तानियों ने पंजाब में आम लोगों को मारना बढ़ा दिया था, तब चतार हिल गए थे। साथ ही माथुर साहब चतार को रॉ के साथ जोड़ने में सफल हो गए थे, जिस कारण चतार ने भारत के खिलाफ काम करने वाले और खालिस्तान के हर समर्थक की खबर दे दी थी। इसके साथ ही उन्होंने माथुर जी की मुलाकात एक रिसर्च साइंटिस्ट डॉक्टर गुरमीत सिंह औलख से कराई, जो अपने आप को खालिस्तान को स्वयं ही संचालक मानते थे। माथुर ने उनसे साफ बात की और उनको डॉक्यूमेंट दिखाते हुए बताया कि वो जानते थे कि वो US ऑफिशियल के साथ मिलकर भारत में अस्थिरता ला रहे थे। इसके साथ ही उनके एक साथी जो कैलिफोर्निया के नेता जॉन टेलर डूलिटिल थे, वो अक्सर भारत के खिलाफ कैंपेन चलाते थे। लेकिन दिसंबर 1989 में रॉ के लिए सब एक बार फिर से बदल गया था। राजीव गांधी इलेक्शन हार गए थे, VP सिंह एंटी करप्शन के नारे के नाम पर इलेक्शन जीत गए थे। उसी बीच कश्मीर में होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद को अगवा कर लिया गया था। पंजाब में भी प्रो खालिस्तान मूवमेंट की पकड़ और मजबूत होने लगी थी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भारत के खिलाफ होने लगा था। इस वजह से रॉ को खालिस्तान का कार्य MEA को सौंपना पड़ा। MEA ने इस अवसर का प्रयोग करते हुए कुछ प्रोपेगेंडा वीडियो बना दी, जिसमें बाहरी सिखों पर निशाना साधा गया था। ये सारी वीडियो उन्होंने USA भिजवा दी थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ये टेप कभी USA में दिखाई ही नहीं गए, जिसके बाद ही ये तय हुआ कि आगे से रॉ ही साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का कार्य करेगा, जिस कारण आज की तारीख में अब रॉ डिजिटल वर्ल्ड में भी काफी आगे बढ़ने लगा है। इस भाग में हमने देखा कि रॉ ने खालिस्तान के मामले में न जीत और न ही नाकामी का सामना किया था। इससे रॉ ने ये भी सीख लिया था कि आगे क्या नहीं करना था और कैसे सब संभालना था। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे रॉ के अंदर एक बागी को पकड़ा गया। जानने के लिए सुनते रहिए रॉ की अनकही कहानियां। देश का गद्दार, स्वागत है आपका रॉ की अनकही कहानी के एक और भाग में। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे रॉ के अंदर भी डबल एजेंट और दगाबाज उत्पन्न हो जाते हैं और कैसे ये पीठ में खंजर भोंक देते हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा गद्दार या डबल एजेंट रॉ के जॉइंट सेक्रेटरी रविंद्र सिंह थे, जो सालों से CIA को रॉ के सीक्रेट बेच रहे थे। रविंद्र सिंह रॉ से पहले 1987 तक आर्मी में थे। सबका मानना है कि रविंद्र CIA के साथ 1990 से 2000 के बीच पलटे थे। जासूसी के खेल में ये सबसे पुरानी चाल थी।
हर सीक्रेट एजेंसी दूसरी सीक्रेट एजेंसी के व्यक्ति को अपनी तरफ करने में लगी रहती है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि रविंद्र सिंह हर वक्त अपने साथ भगवद गीता रखते थे और उसमें लिखे हुए उसूलों पर चलने की बात करते थे, लेकिन असल जिंदगी में वो अपने देश को ही बेच रहे थे। उनके ऊपर नजर रखने के लिए रॉ ने अपने एक एजेंट को सब्जी वाले के रूप में उनके घर के सामने तैनात किया था। ये भारत के लिए कोई नई बात नहीं थी। रॉ के बनने के पहले से ही इंटेलिजेंस ब्यूरो सब पर नजर रखती थी, खासकर उन लोगों पर जिन्हें डबल एजेंट बनाया जा सके। CIA ने एजेंट्स के लालच का बहुत फायदा उठाया था। CIA ने जासूसी करने के लिए कई बार रॉ के एजेंट को अपनी तरफ कर लिया था, जिस कारण बहुत सी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन CIA तक पहुंच जाती थी। लेकिन CIA को सबसे बड़ा झटका 1988 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के वक्त मिला था, जिसकी उनको भनक भी नहीं लगी थी। इस समय रॉ में डबल एजेंट की संख्या कम हो गई थी, लेकिन रविंद्र सिंह 1996 में भी CIA से अपनी USA में पढ़ रही बेटी के लिए पैसे ले रहे थे। रॉ रविंद्र का इस्तेमाल अब गलत जानकारी फैलाने में करने लगा था, लेकिन अफसोस उनको इसकी खबर मिल गई थी, जिस कारण वो भारत छोड़कर भाग गए थे। जब वो भाग गए तब जाके पता चला कि उन्होंने कुल 20,000 क्लासिफाइड रिपोर्ट CIA को दी थी। रविंद्र सिंह 2004 तक वॉशिंगटन चले गए थे। उनके बच्चों और बीवी को उनकी गद्दारी के बारे में बिल्कुल भनक नहीं थी। CIA ने हमेशा की तरह कह दिया कि वो किसी ऐसे ऑपरेशन के बारे में जानते ही नहीं थे। रॉ ने भी इस मामले को दफना दिया था। इसका कारण रॉ और CIA के अच्छे रिश्ते को बनाए रखना था। तो इस भाग में हमने जाना कि कैसे एक खराब मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। लेकिन साहब, इस जासूसी के खेल में डबल एजेंट और धोखा देना तो आम सी बात है, इसलिए लोगों को अपने उसूलों को मजबूत रखना चाहिए, वरना वो चंद पैसे के लिए बर्बाद हो सकते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे नेपाल में काम कर रहे स्पाइस के बारे में। स्पाइस इन नेपाल। आज इस भाग में हम लोग जानेंगे कि कैसे नेपाल आतंकवादियों का एक अड्डा बन चुका है। और भले ही भारत और नेपाल के रिश्ते ऊपरी तौर पर मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से पाकिस्तान और चीन के कारण खोखले हो चुके हैं। भारत सरकार ने 2007 में अपनी इंडियन काउंटर टेरर एजेंसी की मदद से बहुत से स्लीपर सेल्स को पकड़ा और मारा था। उसमें से सबसे बड़ा ऑपरेशन बाटला हाउस था, जिसमें जामिया नगर नई दिल्ली में टेररिस्ट और दिल्ली पुलिस के बीच शूट आउट हुआ था, जिसमें दो टेररिस्ट आतिफ मोहम्मद और साजिद को मार दिया गया था और दो टेररिस्ट शहजाद और आरिस खान भागने में सफल रहे थे। इस सब पर नेपाल के स्लीपर सेल मेंबर निजाम खान नजर बनाए हुए थे। निजाम खान ने इस स्थिति पर बात करने के लिए अपने दोस्त आयुब शेख को करसिया रोड के मदरसे पर मिलने के लिए बुलाया था, जिसमें निजाम को धोखे का डर सता रहा था। दूसरी तरफ आयुब बिल्कुल बेखौफ थे। आयुब ने खान को आश्वासन दिया कि अगर भारत से कोई भी बच के आने में कामयाब हुआ तो सबसे पहले उनसे मिलेगा। नवंबर के महीने में ऐसा ही हुआ, जब आरिज आका जुनैद नेपाल में जोगबनी बॉर्डर के जरिए घुस गया था। उसके आते ही आयुब ने उसको नया नाम मोहम्मद सलीम दे दिया और उसके रहने का इंतजाम मदरसे में कर दिया था। ये नेपाल के लिए कोई नई बात नहीं थी। 1990 से ही भारत से भागे सारे अपराधी नेपाल में शरण लेने जाते रहे थे, जिसका सबसे बड़ा कारण दाऊद इब्राहिम था। उसने नेपाल और भारत के बीच अनेकों तस्करी की थी। एक तरफ नेपाल को भारत का बड़े भाई का दर्जा भी खटकने लगा था। रॉ के लिए नेपाल उनकी जीत और नाकामी दोनों का जीता जागता सबूत है। कुछ एसेट्स ने रॉ की बहुत मदद की और आने वाले खतरे को भी टाल दिया, लेकिन राजनैतिक तरीके से भारत नेपाल को बिल्कुल संभालने में असफल रहा है। पहले 1950 में नेपाल और भारत के बीच समझौता हुआ था, जिसके चलते दोनों देश एक दूसरे के निजी मामलों में दखल नहीं देंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे। इसके चलते 1951 में नेपाल में लोकतंत्र लाने का ऐलान किया गया, लेकिन नेपाल का संविधान 1959 में जाकर लागू हुआ था। इस बीच 1955 में राजा महेंद्र बीर बिक्रम शाह देव का शासन शुरू हुआ था। जब 1959 में नेपाली कांग्रेस पार्टी जीती तो वो बिल्कुल इस सरकार के खिलाफ हो गए थे, जिस कारण इस सरकार को एक साल बाद ही बैन करना पड़ा था।
सन 1962 में नेपाल में नया संविधान लागू कर दिया गया था। इस बीच नेपाल में हुए दो हादसों का आरोप राजा महेंद्र ने भारत सरकार पर लगा दिया था, जिसको भारत सरकार ने पूरी तरह से नकार दिया था। फिर राजा महेंद्र नई दिल्ली प्राइम मिनिस्टर से मिलने आए, जिनको उन्होंने ये सुझाव दिया कि वो सारे नेपाली कांग्रेस के मेंबर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, नहीं तो भारत और नेपाल के रिश्तों में हमेशा के लिए दरार आ जाएगी। लेकिन भारत सरकार का कहना था, दोस्ती दो तरफा होती है। राजा महेंद्र इस बीच चीन को अपनी तरफ कर रहे थे, जैसे नेपाल में काठमांडू से ल्हासा तक का रास्ता बन सके। राजा महेंद्र का कहना था कि नेपाल बदलते समय के साथ बदल रहा था, लेकिन भारत सरकार को नेपाल की पाकिस्तान और चीन से बढ़ती दोस्ती देखकर राजा महेंद्र की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। रॉ के इजाद होने के बाद जब भारत सरकार ने नेपाल से पाकिस्तानी और चीन का दबदबा कम करने के लिए बोला, तब नेपाल ने ये बात मानने से साफ इनकार कर दिया था। इससे ये साफ हो गया था कि नेपाल के अंदर पाकिस्तानी और चीन का प्रभाव बढ़ चुका था। 1990 आते आते बहुत से मिलिटेंट और आतंकवादी लीडर नेपाल में बस चुके थे। संजय अरोरा, जो रॉ के एक एजेंट थे, उनका कहना था कि स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। दूसरी तरफ नए राजा बिनेंद्र भारत सरकार की सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, उल्टा वो भारत सरकार को ही अपना दुश्मन समझ रहे थे, जिसका कारण वहां की जनता की लोकतंत्र की मांग थी। इसी कारण रॉ और आईबी दोनों ने मिलकर नेपाल और भारत में अपने एसेट मजबूत कर लिए थे। लखनऊ में भी रॉ का हेडक्वार्टर खोला गया था, साथ ही एक स्पाई कोड नेम रवि एस सिन्हा को इस मिशन के लिए रिक्रूट किया गया था। वो नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी में ऑपरेशन मेची के लिए समर्थन इकट्ठा कर रहे थे, जिसके चलते अप्रैल 1990 में लोकतंत्र की जीत हुई और कृष्णा प्रसाद भट्टाराय की सरकार काठमांडू में आई, जिसके बाद उन्होंने भारत सरकार से ये वादा किया कि वो आतंकवाद संगठन को नेपाल से हटा देंगे। लेकिन इस बीच मुस्लिम नेताओं ने वहां पर अपने नए संगठन बना लिए थे, जिसको खत्म करने के लिए रॉ ने एक नए व्यक्ति कोडनेम साजिद को रिक्रूट किया, जो एक साल में 100 आतंकवादी हमले रोकने में सफल हुए। उन्होंने आपस के गुटों में ही लड़ाई करवा दी थी। इस जीत के बाद रॉ को अंडरवर्ल्ड के रूप में फिर नाकामी झेलनी पड़ी थी। दाऊद इब्राहिम ने नेपाल को अपना गैर कानूनी काम करने का अड्डा बना लिया था। 1993 में भारत से जब वो बॉम्ब ब्लास्ट करके दुबई फरार हुआ, तब उसने दुबई और काठमांडू के बीच अंडरवर्ल्ड का धंधा शुरू कर दिया था। ये करने से पहले उसने नेपाल पार्लियामेंट में काम कर रहे मिर्जा दिलशाद बेग से अच्छी दोस्ती कर ली थी। साथ ही ISI भी दाऊद और मिर्जा का समर्थन कर रही थी। इस बीच रॉ ने अपने एक नए एजेंट कोडनेम दिवाकर शर्मा को एक्टिवेट कर दिया था। साथ ही अंडरवर्ल्ड की समस्या 1996 में नेपाल के सामने रखी थी, लेकिन दिवाकर की माने तो नेपाल अभी अंडरवर्ल्ड को रखने का खामियाजा समझ नहीं पा रहा था। वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी नई थी और उन्हें ये भी नहीं पता था कि अंडरवर्ल्ड का निशाना नेपाल नहीं भारत है। इस नासमझी का खामियाजा भारत ने 1999 में झेला, जब एक प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था, जिसके बदले 3 आतंकवादी को छोड़ने की मांग रखी गई थी। भारत ने बिना किसी विरोध के इस मांग को पूरा कर दिया था। इस बीच ये खबर भी आई कि इस हाईजैकिंग की खबर एक रॉ ऑफिसर को थी, लेकिन जब उसने ये बात अपने सीनियर को बताई थी तो उसको चुप करा दिया गया था, जिससे ये पता चला कि रॉ की भी साफ सफाई की जरूरत थी। रॉ ने जब सारे खराब पदार्थों को इस ऑपरेशन से हटा दिया था, तब तक भारत सरकार ने दुनिया के सामने तो ये छवि बना ली थी कि भारत और नेपाल के बीच कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन रॉ के जरिए आज भी नेपाल के अंदर भारत के बहुत गुप्त सोर्सेज मौजूद हैं। रॉ के एजेंट खत्री के हिसाब से राजनैतिक बातों से लोग पलट सकते हैं, लेकिन जासूसी से सारी असलियत पता चल सकती है। इसी कारण भारत को नेपाल में पाकिस्तान और चीन द्वारा की जा रही हर एक चीज की खबर रहती है। अब हम लोग कहानी के आखिरी भाग की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले भाग में हम जानेंगे ऑपरेशन हॉर्नेट के बारे में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रॉ के वीरों की अनकही कहानियां। ऑपरेशन हॉर्नेट। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे नेपाल में अंडरवर्ल्ड का प्रकोप बढ़ गया था और आज के समय में कैसे चीन और पाकिस्तान का प्रभाव वहां बढ़ रहा है।
जिस कारण रॉ की जासूसी इस इलाके के लिए बेहद जरूरी हो गई है। उसी तरह इस भाग में हम जानेंगे कि ऑपरेशन हॉर्नेट का भारत के लिए क्या महत्व था और साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत के रिश्ते फ्रांस के साथ कैसे मजबूत हुए। 1984 की बात है जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, जब उनके बेटे राजीव गांधी को उनकी जगह प्राइम मिनिस्टर बनाने जा रहे थे। फ्रेंच प्रेसिडेंट लॉरेंट फाबिया भी इंदिरा गांधी के अंतिम संस्कार में आए थे। इस बीच रॉ के एक एजेंट संजीव जिंदल पेरिस में एक कैफे में बैठे हुए थे और अपने ख्यालों में खोए हुए थे। वो लंदन की अपनी आखिरी सैर के बारे में सोच रहे थे, जहां पर वो रॉ के नए रिक्रूट क्लार्क ली से मिले थे, जो एंटी इंडियन एलिमेंट्स की खोज यूरोप में कर रहे थे। उनमें से सबसे बड़ा एंटी इंडियन एलिमेंट अब्दुल खान था, जो आतंकवादी को शरण देता था। सन 1982 से खान पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, भारतीय आतंकवादी और कुछ राजनेताओं से मुलाकात कर रहा था। साथ ही क्लार्क की रिपोर्ट के हिसाब से खान ने एक भारतीय को भी रिक्रूट किया था, जिससे ये साफ था कि खान कुछ बड़ा करने जा रहा था। जिंदल ने ये सारी बातें एक रिपोर्ट में भारत भेजी थी, लेकिन इस रिपोर्ट का उन्हें जवाब नहीं मिला, क्योंकि रॉ के डेस्क एनालिस्ट को ये खबर जरूरी नहीं लगी थी, जिस कारण उनकी रिपोर्ट भारत सरकार में ऊपर तक नहीं पहुंची थी। लेकिन जिंदल ने फिर दिसंबर 1984 में अपने बॉस अनुज भारद्वाज को क्लार्क की चेतावनी के बारे में बताया। साथ ही उनको ये आश्वासन दिया कि वो क्लार्क पर भरोसा कर सकते थे। क्लार्क ने खान और उनके साथियों के साथ एक भारतीय बीएन संधू के खिलाफ चेतावनी दी थी। भारद्वाज, जो उस समय के सबसे टॉप स्पाई थे, उन्होंने जिंदल की जब एनालिस्ट के खिलाफ शिकायत सुनी, तब उन्होंने जिंदल को दिल्ली में मिलने और बात करने के लिए बुलाया था। इस मीटिंग के परिणाम स्वरूप भारद्वाज ने 1985 में ऑपरेशन हॉर्नेट को हरी झंडी दिखा दी थी। इस बीच राजीव गांधी को विदेश जाना भी था और हो सकता था कि उनको फ्रांस भी जाना पड़े। इसी कारण भारद्वाज ने लंदन को निशाना बनाया और पेरिस को सब इंटेलिजेंस स्टेशन की तरह इस्तेमाल करने का निर्णय लिया था। पहले फ्रेंच और भारत के रिश्ते केवल न्यूट्रल थे, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार में एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने फ्रांस से मिराज 2000 खरीदे थे, जिसमें फ्रांस ये जहाज भारत को क्रेडिट पर देने के लिए तैयार था। इस बीच जिंदल ने भारद्वाज को समझाया कि क्यों उन्हें संधू को रोकना होगा। संधू जैसा खतरनाक व्यक्ति ISI के बहुत काम आएगा और भारत के लिए ये मुसीबत बन सकता था। ब्रिटिश इस बीच वहां पर रह रहे मिलिटेंट का समर्थन कर रही थी, जिससे रॉ और भारत सरकार संतुष्ट नहीं थी। इस कारण लंदन में रॉ ने अपने एजेंट कोड नेम मोहन नारायण को रखा। वो यूरोप में काम करने के तरीके से पूरी तरह से अवगत थे। इसके बाद ऑपरेशन हॉर्नेट को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, एक इंटेलिजेंस कलेक्शन और एक इंटरप्रिटेशन। ये कार्य नारायण और क्लार्क संभाल रहे थे, दूसरी तरफ कोवर्ट ऑपरेशन जिंदल संभाल रहे थे। जिंदल इस बीच 1985 में अपनी पुरानी इन्फॉर्मर सोफिया से मिले। जिंदल ने सोफिया को हरप्रीत आहूजा को ढूंढने का कार्य दिया। इस काम के लिए जिंदल ने सोफिया को $10,000 दिए थे। इस बीच नारायण और क्लार्क ने पैसे के दम पर अब्दुल खान के गार्डनर तारिक सिद्दीकी को अपनी तरफ कर लिया था, जिस कारण उन्हें खान से मिलने आ रहे लोगों और गाड़ियों की जानकारी मिलने लगी थी। उनसे मिलने के लिस्ट में बहुत से ISI ऑफिशियल थे और साथ ही पाकिस्तान के दो सिविल सर्वेंट भी थे। साथ ही वो संधू की जानकारी भी देने लगा था। उसके बाद $5,000 की मांग पूरी होने के बाद तारिक ने नारायण को बहुत सी फोटोज और फाइल्स दी, जिससे रॉ को पता चला कि खान कुछ पैसे लंदन के 3 अकाउंट में डाल रहा था। तब उनको शक हुआ कि ये अकाउंट संधू और उनके बॉडीगार्ड हरबख्श का है। ये जानने के बाद नारायण ने तय किया कि संधू को पकड़ने के लिए उन्हें तारिक जैसा कोई इन्फॉर्मर चाहिए होगा, जिस कारण उन्होंने हरबख्श के चचेरे भाई अमरजीत को अपने ऑपरेशन में जोड़ लिया था। इस बीच सोफिया जिंदल से मिली और उन्हें हरप्रीत आहूजा की स्थिति के बारे में बताया। आहूजा एक इंडियन रेस्टोरेंट में मैनेजर की नौकरी कर रहे थे। साथ ही ये भी बताया कि वो आहूजा के साथ डेट पर गई थी। जब जिंदल की मुलाकात आहूजा से हुई, तब उन्होंने आहूजा से जानना चाहा कि वो कैलिफोर्निया में आरामदायक जिंदगी छोड़कर ऑस्ट्रिया में क्यों रह रहे थे, जिसका जवाब आहूजा ने दिया कि उनका पुराना मालिक अवतार सेठी की मुलाकात एंटी नेशनल से थी। आहूजा ने बताया कि सेठी पूरी तरीके से बिक चुके थे, साथ ही वहीं संधू के कार्य के लिए पैसे दे रहे थे। इस जानकारी के बदले 1986 में जिंदल ने आहूजा को रॉ का एजेंट बना दिया, जिनका कोड नेम एनसाइडलर रखा गया था।
इस बीच नारायण के दोनों इन्फॉर्मर तारिक और अमरजीत ने कमाल कर दिया था। उनकी मदद से रॉ ने हरबख्श और ISI ऑफिशियल्स का पर्दाफाश ब्रिटिश होम सेक्रेटरी लियोन ब्रिटन के सामने कर दिया था। लेकिन ब्रिटिश सरकार जब तक कोई कार्य कर पाती तब तक हरबख्श लंदन से रातों रात गायब हो गए थे। बाद में रॉ के एक सोर्स ने बताया कि हरबख्श अपने परिवार के साथ रावलपिंडी में आकर बस गए थे। इसके बाद भारद्वाज ने दो तरीकों से ऑपरेशन करने का सुझाव दिया। अब्दुल खान और संधु के लिए तो उन्हें कॉवर्ट ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन सेठी एक व्यवसायी थे तो उन्हें अपनी तरफ करना रॉ के लिए आसान होगा। सेठी की सारी जानकारी रॉ को आहूजा और सोफिया के कारण मिल गई थी। जब रॉ ने 1986 में सेठी से मुलाकात की और जब उन्हें थोड़ा धमकाया तब सेठी ने अब्दुल खान और संधू के खिलाफ सारी जानकारी दे दी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके ये कार्य USA को पता चले। इस बीच उन्हें बलवंत सिंह नाम का इन्फॉर्मर मिला था जिसने उन्हें अब्दुल खान के खिलाफ काफी सबूत दिए थे, जिसके बल पर रॉ ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर को ये जानकारी दी थी जिससे वो उनका सहयोग करें। लेकिन जासूसी की दुनिया में जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा जानकारी बटने का खतरा बढ़ जाता है। इसी कारण केवल 5 लोगों को मिशन में लिया गया था जिसमें बलवंत सिंह भी मौजूद थे, जिस कारण संधू और ISI के बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि अब्दुल खान अभी भी एंटी इंडियन कार्य शुरू करने की फिराक में था, लेकिन जिंदल ने जल्दबाजी नहीं की और तारीख की जानकारी का इस्तेमाल किया, जिसके परिणाम स्वरूप जिंदल और भारद्वाज ने अब्दुल खान को उनके घर लाहौर पाकिस्तान में मार दिया था। उनकी अंतिम तिथि पर एक रॉ एजेंट ने देखा कि पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल हामिद गुल ने फूल भिजवाए थे। इस ऑपरेशन के साथ रॉ की अब तक कहानी समाप्त होती है। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिसके बारे में रॉ ने अभी तक कुछ नहीं बताया है। एक बात तो सच है कि रॉ है तो हम सब हैं। अगर वो लोग गुमनामी में काम ना करें तो भारत जैसा देश कभी बच ही ना पाए। उनके स्वार्थहीन बलिदान के लिए मैं उनको सलाम करना चाहूंगा। साथ ही ये भी कहना चाहूंगा कि हम लोगों को लगता है कि स्पाई की जिंदगी बहुत मस्त होती होगी, लेकिन असलियत में